أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى درود بھیجئے محمد وعلى محمد जैसे जैसे हमारी गुफ्तगू आगे बढ़ेगी अगली क्लासेस में, तो कुछ बाकायदा तरतीब के साथ कुछ अनामीन आपके सामने आएंगे। लेकिन आज एक इंतहाई अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू यूं करना है कि इल्म हासिल करते चले गए और अपने आप को गुनाहों से नहीं बचाया, तो एक आप ऐसी इमारत खड़ी करेंगी कि जिसकी कोई बुनियाद नहीं होगी, जो एक मामूली सी शैतानी वसवसे से भी ढेर हो सकती है और मामूली हवा का झोंका चलने से भी वो इमारत गिर सकती है। देखिए, शैतान की जो सबसे बड़ी खराबी है क्या है? क्या उसके पास किसी किस्म के इल्म की कोई कमी? कितने अंबिया का दौर देख चुका है वो, कितने बड़े बड़े मुज्तहिदीन को बहकाने के लिए कौन कौन से हरबे इस्तेमाल करने की कोशिशें करता है, साहिबान तकवा को कैसे कैसे बहकाने की कोशिश करता है। इल्म की उसके पास भी कोई कमी नहीं। अंबिया मासबक जो हैं उन सब की शरीयतों से भी वाकिफ है। शैतान की सबसे बड़ी खराबी ये कि वो अपने इल्म पर अमल नहीं करता, ये सबसे बड़ा मसला है उसके साथ। तो अगर हम भी इल्म हासिल करते चले गए फकत और अपना तस्किया नफ्स नहीं किया और अपने आप को गुनाहों से नहीं बचाया, तो शैतानी तरीकेकार के ऊपर एक अमल हो जाएगा और उसका अंजाम आपके सामने। तो अगर आप इल्म हासिल करती चली गई और अमल नहीं किया, या कुछ जो टूटे फूटे अमल अंजाम दिए भी, तो आमाल में हमारे कोई नूर भी नहीं होगा। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई जीरो पावर का बल्ब हो और उसके ऊपर आप काले रंग का कोई कपड़ा या कोई कागज उसके ऊपर चढ़ा दें, तो उसकी रोशनी या तो निकलेगी नहीं या इंतहाई मध्यम रोशनी होगी, यानी आमाल में नूर नहीं होगा। अब एक सवाल पैदा होता है दिमाग में कि क्या हमें गुनाह करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं? तो इमाम मासूम से भी जब ये सवाल पूछा गया तो जवाब का जो वहां से आया उसका मफहूम यही था कि नहीं, गुनाह करने की इजाजत है, इजाजत, लेकिन फकत उतनी कि जितनी देर के लिए तुम आग में खड़े रहकर रहना बर्दाश्त कर सको, यानी इन गुनाहों का लाजमी नतीजा आग में जलना। लोग कहते हैं ना भाई, क्या पूरी जिंदगी इसी तरह से गुजार दें? हम मासूम तो है नहीं, तो जानबूझकर अगर कोई शख्स गुनाह करेगा तो ऐसे ही जैसे आग में खड़े रहना कोई मंजूर कर ले। जितनी देर आग में खड़े रहना तुम बर्दाश्त कर सको उतनी देर गुनाह करने की इजाजत। कभी प्रैक्टिस करके देख लीजिए, थोड़ी देर के लिए सिर्फ जलती हुई आग में अपनी उंगली डालने की कोशिश करें, कभी आप सोचती भी नहीं क्योंकि अंजाम से बाखबर। इसका मतलब यह हुआ कि गुनाहों के सिलसिले में जो अजाब बताए गए हैं उस सिलसिले में हमको यकीन नहीं है कि इन चीजों का हमें कोई अजाब मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि हमेशा कोई भी अमल अपने यकीन के असरात से जाहिर होता है। आप आग में हाथ यूं नहीं डालते कि आपको पता है कि ये जलाएगी, लेकिन ये गुनाह हमें जहन्नम की आग में जलाएंगे इसका हमको शायद यकीन नहीं है या यकीन का वो दर्जा नहीं है, इसी वजह से हम गुनाह पे गुनाह अंजाम देते चले जाते। तो बहरहाल जैसे कि रिवायात में भी चीज मिलती कि कोई गुनाह किया तो जन्नत में एक बाग मिल गया, और जब कोई नेकी का काम किया तो जन्नत में एक बाग मिल गया, और अगर गुनाह किया तो एक आग सी चली गई जिसने जन्नत के उस बाग को जलाकर खाकस्तर कर दिया। अच्छा, अब देखिए, अगर इंसान गुनाहों से अपने आप को बचाने लगे
तो कुछ ही अरसे में आप देखेंगे कि बहुत अपने अंदर एक नुमाया तब्दीली आप रूहानी तौर पर महसूस करेंगे। देखिए, इस गुफ्तगू को अभी शुरू करने का, तमाम चीजों को शुरू करने से पहले, ये हमेशा से हमारा तरीक़ेकार ये रहा है पिछले सालों में भी, कि गुना छोड़ने के मुतालिक जरूर गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि इल्म हासिल करना इसके बगैर बिल्कुल बेफायदा है और एक बदतरीन इल्म बनकर रह जाता है अगर इल्म हासिल करते चले गए और अपने आप को गुनाहों से नहीं बचाया। तो ये पहला मरहला है, उसके बाद फिर इल्म हासिल करने का मरहला शुरू होगा। कि अगर कोई शख्स इल्म को अगर फकत हासिल करता जाए और उसके साथ साथ वो गुनाह भी छोड़ दे, तो बहुत बड़े बड़े मुकामात को वो हासिल कर सकता है। लेकिन अगर, मैंने जिस तरह पिछली गुफ्तगू में भी अर्ज किया था कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसमें बहुत सारे असरात उसके ऐसे जाहिर होते हैं कि हर गुनाह की एक बरजखी शक्ल बन जाती, हर गुनाह की एक खास बरजखी शक्ल। जैसे कि हदीस भी आपके सामने है पैगंबर इस्लाम फतवे मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जो भी हंसते हुए गुनाह करेगा वो रोते हुए जहन्नम में दाखिल होगा। तो इसका लाजमी नतीजा ये है, इससे हमें सरफ नजर नहीं करनी चाहिए। कौन बर्दाश्त करेगा कि ये तमाम के तमाम आमाल कब्र के अंदर भी खास बरजखी शक्ल को इख्तियार कर लेंगे? अगर कब्र में इस तरह के 50-100 सांप मौजूद हों जो कयामत तक उसको डसते रहें, जरा तसव्वुर करके देखें, चश्मे तसव्वुर में लेकर आए, सिर्फ आपको विजुअलाइज कराने के लिए। एक जरा सा हमें कहीं शुबा भी हो जाता है कि इस इमारत में मसलन एक छोटा सा सांप घुसाया है, तो कितनी ज्यादा आपके अंदर वो पैदा हो जाती है। बल्कि बहुत सारी चीजें तो ऐसी, कितनी मजालिस के अंदर ऐसा हुआ कि लोग परेशान हो गए कि बाकत कहीं से चूहा घुसाया और जो है वो पूरी खवातीन जो है वो दरम भरम हो गई पूरी महफिल। हालांकि वो तो कोई ऐसा नुकसान पहुंचाने वाला कि जिससे इंसान जान से जाए, ऐसा भी कोई मसला नहीं था। तो ये तमाम आमाल एक बुरे आमाल एक बरज़ख शक्ल को इख्तियार करने वाले। इसी तरीके से ये भी एक बात दिमाग में रहे कि इन तमाम गुनाहों की वजह से अचानक से अजाब इलाही भी आ जाते हैं। अव्वल तो कितने सारे अजाब इलाही हम यहाँ पर बर्दाश्त कर रहे हैं मुसलसल, खासतौर पर पाकिस्तान और कराची में रहते हुए, ये सब अजाबों की कस्म होते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है, कभी एक तेज रफ्तार लहर आती है और फिस्को फजूर में मुबतला लोगों को बहा के ले जाती है, कभी कोई बाज़ औकात बाज़ हालात में इस पर एक अलग बहस छिड़ जाती है। लेकिन जलजले भी बाज़ हालात में इस तरह से आ सकते हैं कि जब बहुत सारी इस तरह की चीज़ें, बड़े बड़े गुनाह आवाम के अंदर बढ़ते चले जाएँ। बहुत सारे ऐसे अफराद होंगे जो मैदान कयामत में आएंगे, अपने कुछ आमाल की वजह से उनकी शक्ल बंदर जैसी हो जाएगी, बंदर जैसी। अलबत्ता लोग फिर भी उनको पहचान लेंगे कि किन किन आमाल की वजह से ऐसी बरजखी शक्ल इनकी बनी। कुछ अफराद ऐसे होंगे कि जिनकी शक्ल सुअर की तरह से हो जाएगी, सुअर की तरह से उनकी शक्ल। ये बहुत सी सारी रिवायात हैं इन सबके पीछे, जिसका अभी बयान करने का वक्त नहीं है हमारे पास, वो अलग एक मौजू के तहत कभी बयान होंगी। लेकिन सिर्फ आपको एक बरजखी शक्ल दिखाने के लिए कि इन आमाल का लाजमी नतीजा इस शक्ल की सूरत में जाहिर होगा। बाज़ औक़ात वो खास शक्लें अख्तियार कर लेंगी, बाज़ औक़ात मैदान क़यामत में भी जो लोग अफराद मशहूर होंगे वो खास जानवरों की शक्लों में आएंगे। कुछ अफराद जो है वो कुत्ते की शक्ल में मसलन आएंगे, कुछ अफराद ऐसे होंगे जो मुख्तलिफ और जानवरों की शक्ल में, कुछ रीछ की शक्ल में होंगे, कुछ मसलन उल्लू की शक्ल में होंगे। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक तस्वीर है। एक रिवायत में ये है कि बेपर्दा औरत जो होगी उसको मैदान कयामत में ना जाने कितने साल तक उल्टा लटकाया जाएगा और उसके नीचे, उसके सर के नीचे आग को दहकाया जाएगा, यहां तक कि उसका मगज टपक टपक के गिरेगा नीचे उस आग के नतीजे में। कि अपने बालों को नामहरमों से नहीं छुपाती थी, अब इसका लाजमी नतीजा ये निकलना है कि मैदान कयामत में अजाब बर्दाश्त करना होगा। बहुत सारे अफराद ऐसे होंगे कि रिवायात में है कि उनके सर पर मैदान कयामत में तेशे और बेलचे से वार किए गए होंगे। यह इन सब के पीछे गुनाह है खास, कि जो फला गुनाह का मुर्तकिब उसके साथ ये होगा, फला गुनाह का मुर्तकिब उसके साथ ये होगा। बहुत सारे अफराद मैदान कयामत में ऐसे आएंगे कि जिनके दो चेहरे होंगे, दो चेहरे जो सामने कुछ और पीछे कुछ। वैसे तो सामने बहुत बढ़ बढ़ के और मोहब्बत का इजहार मसलन किया जा रहा है रिश्तेदारों के अंदर, लेकिन जैसे ही उठ के गए उनकी मसलन बुराई शुरू हो जाए। सामने कुछ और पीछे कुछ, दो चेहरे बनाकर मिलना, ये इंशाल्लाह इसकी कभी और तफसील आएगी।
बहुत सारे अफराद मैदान कयामत में बहुत से गुनाहगार इस तरह से आएंगे जो जमीन पर रेंगते हुए आएंगे। बहुत सारे सूदखोरों के मुतालिक ये बात आती है कि वो जमीन पर रेंगते हुए आएंगे, पेट के बल रेंगेंगे वो, तो उन उस गुनाह का नतीजा। और खाली फकत सूदखोर इन मायनों में नहीं, बहुत सारी हम सोचते हैं सूद का खास एक दिमाग में कॉन्सेप्ट आने लगता है, बहुत सारी सूदी स्कीमों के अंदर हिस्सा लेना। आपको हमेशा किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करने से पहले इंसान को देखना चाहिए, पूछना चाहिए कहाँ मेरे लिए इजाजत है, कहाँ मेरे लिए हराम है, कौन सी चीज सूदी है, कौन सी चीज गैर सूदी। तो मैदान कयामत में रेंगते हुए आएंगे बहुत से अफराद, मैदान कयामत में चींटियों की शक्ल में आएंगे। खास तौर पर जो गुरूर और तकब्बुर के मर्ज में गिरफ्तार हैं वो मैदान कयामत चींटियों की शक्ल में मशहूर होंगे कि तमाम अहले महशर के कदमों तले अफराद कुचलते जाएंगे। वहां मौत तो होगी नहीं, कई लोग हलाक हो जाएं, लेकिन कोई अजाब मुस्तकिल वहां पर दिया जाता रहेगा। इसी तरीके से बहुत सारे अफराद, रिवायत में ये चीज आई है कि मैदान कयामत में इस हालत में आएंगे कि उनके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा उनके चेहरे पर, वो इस तरह से आएंगे। वो ये वो अफराद हैं कि जो के जिनके पास कल तक का एक दो आध रोज तक का या कुछ पैसा उनके पास है जिससे उनकी गुजार औकात हो सकती है, लेकिन फिर भी लोगों से मसलन झूठ बोल के या हमेशा अपने आप को फकीर जाहिर करके लोगों से मांगते रहते हैं, ये वो अफराद होंगे। खासतौर पर आयतुल्ला हुसैन बुरुजर्दी मस्जिद के किनारों पे जो फकीर बैठे होते हैं और नमाजियों से मांगते हैं, अक्सर आयतुल्ला हुसैन बुरुजर्दी जब जाते थे नमाज पढ़ाने के लिए तो उन फकीरों के पास रुकते थे, उनको हदीस सुनाते थे कि देखो अगर तुम्हारे पास कुव्वत ला यमूत मौजूद है, यानी तुम्हारे पास इतना मौजूद है कि तुम जिंदा रह सको, खा सको, और आज तक का भी खर्चा तुम्हारे पास है, तो ये मांगने वाली चीज ना करो, बल्कि अगर तुम आम लोगों से मांगने आए हो बेहतर है कि उस मस्जिद में आओ, नमाज पढ़ो और अपने परवरदिगार से मांगो जो तुम्हारी तमाम हाजतों को पूरा करेगा, वरना फिर मैदान कयामत में इस हालत में आओगे कि तुम्हारे चेहरे पर गोश्त नहीं होगा। और ये हदीस सुनाया करते थे उनको। इसी तरीके से रिवायात में कितना मिलता है कि खास तौर पर जो आलात मौसीकी बजाते हैं या गाने की जो महफिल होती है उसके अंदर जो अगर कोई परफॉर्म कर रहा है इस तरह से, उन वो इस हालत में आएंगे कि आलात मौसीकी रिवायत में उनके हाथों से चिपके हुए होंगे और बहुत से आलात मौसीकी से ही उनके सरों के ऊपर एक ऐसी मार पड़ रही होगी। सबके पीछे रिवायत और किताबों के रेफरेंसेज हैं जो इंशाल्लाह जब आपकी गना और मौसीकी के फिकी मसाइल के ऊपर हमारी गुफ्तगू होगी तो उस वक्त उस मौके पर पेश करूंगा। अभी तो सिर्फ मैदान कयामत बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में एक नक्शा बैठ जाना चाहिए कि इनका अगर ये तमाम चीज़ें जो अभी तक आपने देखी अपने लिए बर्दाश्त कर सकती हैं तो यकीनन इनको अंजाम दीजिए, कोई हर्ज नहीं। जैसे इमाम ने कहा जितनी देर आग में खड़े रहना बर्दाश्त कर सको उतनी देर गुनाह करने की इजाज़त। इसी तरीके से कौम आद और कौम समूद पिछले अभी कुछ ही अरसे पहले बाकायदा जो सऊदी कंपनी है एक आराम को उसने एक जगह पर खुदाई की थी सऊदी अरब में, तो वहाँ पर बड़े बड़े ढांचे बरामद हुए थे जो वहाँ के स्कॉलर्स वगैरह, खैर इसको चारों तरफ से इस एरिया को सील कर दिया गया क्योंकि तेल की खुदाई सऊदी अरब में, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ भी नजर आ रहा है आपको। तो बहरहाल वहाँ पर ये ढांचे भी बरामद हुए तो वहाँ पर स्कॉलर्स से भी रब्ता किया गया, तो बहरहाल सबका एक मुत्तफिका यही इस सिलसिले में था कि ये जो है कौम आद के ढांचे, कौम आद इनके ऊपर अजाब की सूरत में हवाओं ने इनको उड़ा के आसमान में ले गई थी और उसके बाद इनको ज़मीन पे पटख दिया गया था। उनके बहुत बड़े बड़े इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते थे। तो देखिए इन सब अजाब ये पहले भुगत चुकी हैं कौमें, तो पैगम्बर इस्लाम फतवी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में उनके उम्मत में होने की वजह से हमको बहुत सारे फायदे और बेनिफिट्स हासिल हुए कि हम पर फौरी तौर पर इस तरह के अजाब नहीं आते कि जिसमें पूरी पूरी कौमें हलाक हो जाएं। अजाबों की दीगर नौयतें हो सकती हैं लेकिन वो वाले अजाब पैगंबर की उम्मत में होने की वजह से हम पर नहीं आते, लेकिन पहली उम्मतों पर हो चुका और इनकी अलग है। आप जाके कुरान पढ़ेंगे कौम आद और कौम समूद वगैरह इन पर किस अजाब से किन वजूहात की बिना पर इन पर अजाब खुदा नाजिल हुआ, तो एक ऐसी खलीज हायल कर देती है ये सब चीज़ें इंसान और खुदा के दरमियान। ये गुनाह है जो कि एक बहुत बड़ी खलीज हायल कर देते हैं कि इंसान उससे दूर होता चला जाता है। कितना बड़ा इंसान हो जाता है गुनाह छोड़ने से। कितना आप सुनती हैं हजरत खिजर का तस्करा, खिजर निकला ही उससे एक सब्जा सब्ज चीज को कहा जाता है। हजरत खिजर का नाम खिजर पढ़ा ही इस वजह से था, इसी वजह से नाम पढ़ा उनका कि वो जिस जगह से हजरत खिजर गुजरते थे वो जगह सरसब्ज शादाब होती चली जाती थी।
और आपने देखा कि मूसा खिजर के वाक़े अगर कुरान के अंदर पढ़ें तो एक लिहाज से हजरत खिजर को मूसा की उस्तादी का शरफ हासिल हुआ था, पैगंबरी के हवाले से और मरतबे के हवाले से हजरत मूसा ही का दर्जा उनसे बुलंद है, लेकिन एक खास तनाजुर में हजरत खिजर को उस्तादी का शरफ हासिल हुआ था हजरत मूसा की। तो हजरत खिजर के मुतालिक अलबत्ता ये बात बता दी जाए कि उलमा में एक इख्तलाफ चला आ रहा है। उलमा के दो ग्रोह हैं, एक ग्रोह ये कहता है कि हजरत खिजर जो थे वो नबी खुदा थे, और दूसरा ग्रोह कहता है कि नहीं, नबी खुदा नहीं थे, एक मर्द सौले थे, जो कि कुरान ने भी इनको मर्द सौले कहा। बहरहाल, और खुद आयतुल्ला खुई मरहूम से भी जब पूछा गया ये सवाल कि हजरत खिजर नबी थे या एक आम शख्स थे या एक आम सौले मर्द थे, तो उन्होंने कहा कि इसकी सही तौर पर तहकीक नहीं है हमारे पास कि ये इनके पास ओहदे नबूवत था या नहीं। तो बहरहाल हजरत खिजर से जब पूछा गया कि आपको इतना बड़ा मुकाम कैसे हासिल हो गया, इतना बड़ा मुकाम आपको हासिल हुआ कि हजरत मूसा की उस्तादी का शरफ आपको हासिल हो गया, अब हमारे दिमाग में आता है कि हजरत खिजर को क्या जवाब देना चाहिए था। हजरत खिजर को बहुत बड़े बड़े आमाल के, मसलन मैंने 1,00,000 दफा, मसलन जैसे मैं वैसे कहूँ कि 1,00,000 दफा जो है वो मैंने सूरह मसलन बकरा पढ़ी थी, या मैंने मसलन 1,00,000 हज किए हैं, या ऐसे बड़े बड़े आमाल बताने चाहिए थे कि वाकई हम कहते हैं हाँ वाकई फिर तो हजरत मूसा की उस्तादी का शरफ चले हम सोच सकते हैं कि शायद हासिल इन अमाल की बिना पर हो जाता। सिर्फ एक जुमला हजरत खिजर ने कहा रिवायत में कि आपको इतना बड़ा मुकाम कैसे हासिल हुआ, कहा गुनाहों को तर्क करने की वजह से। फकत गुनाहों को तर्क इंसान अगर कर दे तो इतने बड़े बड़े मुकामात को भी हासिल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि और एक मर्द सवाले थे, जैसे कि अगर हम एक दूसरा वाला पहलू लें कि हजरत खिजर नबी नहीं थे तो मुकाम इसमत भी उनके पास नहीं था, लेकिन इसमत को एक बात और बीच में आ गई तो अर्ज कर दूं, मुकाम इसमत वैसे तो एक गॉड गिफ्टेड एक चीज होती है, वो जिसके अंदर सलाहियत होती है उसके अंदर परवरदिगार रखता है, लेकिन अपनी अपनी जर्फ के मुताबिक और अपने आमाल के मुताबिक इंसान एक परसेंटेज इसमत ही हासिल कर सकता है, 1%, 2% इसमत कामेला वो तो सिर्फ 14 मासूमीन के पास, लेकिन बहुत सारे अफराद ऐसे भी हैं, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, बहुत सारे अफराद ऐसे भी हैं कि इस्मत के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। तो बहरहाल यानी एक खास परसेंटेज इस्मत कामिला तो हासिल नहीं होती, लेकिन कोई गुनाह वो आमूमी जिंदगी में नहीं करते। एक मराजे की बाकायदा एक महफिल थी जिसमें बहुत से मुज्तहिदीन बैठे हुए थे, तो एक सवाल ये वहां पर उठा था कि क्या ये मुमकिन है कि इंसान 60-70 साल की एक जिंदगी गुजारता जाए और कभी उससे एक गुनाह भी ना हो। तो उसी वक्त जो वहां मुज्तहिदीन मौजूद थे, उन्होंने जो हाजरीन वहां पर मौजूद थे आम अफराद भी थे, उन्होंने कहा कि जाहिर सब आदिल अफराद हैं, झूठ कोई नहीं बोलेंगे, कि आप में से कर कोई शख्स ये बताइए कौन कौन से ऐसे अफराद हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक गुनाह भी नहीं किया। तो बहुत सारे अफराद ने हाथ खड़े कर दी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक गुनाह भी नहीं किया था, एक गुनाह भी। तो उन्होंने कहा कि आप देखें जब एक आम शख्स के पास ये मर्तबा हासिल हो सकता है तो हम कैसे गुमान कर सकते हैं कि आइम्मा और जो पैगंबर हैं वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी गुनाह का सोच भी सकते हो, जबकि आम शख्स भी में भी ये सलाहियत है। जब इमाम खुमैनी कहते थे कि एक गुनाह भी ना करना ये मुहाले अकली नहीं है, मुहाले आदि जरूर है। आमतौर पर होता नहीं कि इंसान से कोई गुनाह ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि परवरदिगार ने जब आप पर वाजिब किया है गुनाहों से अपने आप को बचाना, इसका मतलब है आप में ये सलाहियत है कि आप अपनी पूरी जिंदगी में एक गुनाह भी ना करें, और बिलफर्ज कभी गुनाह हो भी जाए तो तौबा की बेहतरीन रबर आपके पास है, इरेजर आपके पास है, उसको डिलीट करवा दें, आप तो कंप्यूटर का दौर है तो डिलीट या अंडू कर दें उसको, जो अल्फाज कहे जाएं इसके लिए। तो ये सब चीजें आप पिछली जिंदगी की इस तरह से जो है वो गायब कर सकती हैं। और यानी ऐसा नहीं है कि एक मायूसी सी आमतौर पर साहिबान ईमान के दिलो दिमाग में आ गई कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता कि हमसे गुनाह ना हो, हम गुनाहों में डूबे हुए हैं, हम इससे बच ही नहीं सकते। बिल्कुल गलत ये ख्याल है और एक शैतानी वसवसा है जिस पे आगे चल के मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। उसके अलावा जैसे हम आम अफराद के अंदर भी देखें तो खैर मुज्तहिद थे सैयद मेहदी बहरुल उलूम, तक्वे और परहेजगारी के अंदर इतने डूबे हुए थे सैयद मेहदी बहरुल उलूम कि लोगों को अच्छी माकूल तादाद को यह गुमान और वहम होने लगा था कि कहीं ये इमाम जमाना अलैहि सलातो व सलामी तो नहीं है। अल्लाहुम्म
बहरे जखार इल्म के हवाले से, अच्छा नाम भी मेहदी, तो लोगों को गुमान होने लगा था, वहम होने लगा था कि कहीं यही तो नहीं। तो बाज़ औक़ात देखिए सिर्फ गुनाहों को तर्क करने की वजह से इंसान इतना बड़ा मुकाम जो है हासिल कर लेता। आयतुल्ला सैयद मोहम्मद हुसैन ताबाताबाई, जिनका पिछली दफ़ा भी जिक्र आया था और इंशाल्लाह आइंदा नशिस्तों में भी आएगा, क्योंकि ये नहीं ऐसी ना बगैर रोजगार, ये हमारे आइडियल हैं दीन के हवाले से। ये खुद फरमाते हैं, देखिए एक तो मैं एक और बात बता दूं, उलमा बहुत सारी चीज़ें जो अपने मुतालिक होती हैं कभी कभार बताते हैं और ज़्यादातर छुपा जाते हैं, और बाज़ औक़ात किसी मजहूल शख्स के रेफरेंस से पेश कर देते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि लोग बिल्कुल ही समझें कि इन चीज़ों का कोई वजूद ही नहीं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से भी हज़रत आयतुल्ला मोहम्मद हुसैन ताबाताबाई की मुलाकात हुई, जिन्होंने खुद तस्करा की, यानी इतना मुकाम हासिल कर लिया था और तस्किए नफ्स को करने के बाद कि हज़रत इदरीस जैसे पैगंबर खुदा से बाकायदा बातचीत तक उन्होंने नकल किए कि मेरे क्या क्या मेरी बात हज़रत इदरीस से हुई। इसी तरीके से खुद फरमाते हैं कि मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ, उलमा कहते हैं कि आमतौर पर जब भी कभी मुज्तहिदीन इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करें कि मैं ऐसे शख्स को जानता हूँ, अमूमन खुद ही मुराद होते हैं। ज़ाहिर है अपने शो बाजी तो नहीं करेंगे कि मैंने ये मुकाम को हासिल किया है। वो कहते हैं मैं कैसे शख्स को जानता हूँ कि जब वो ज़मीन पर करवट बदलता है सोते में, तो वो हिस्सा जो उसके वजूद से खाली होता है वहाँ से चीख की आवाज़ बुलंद होती है कि इस मर्दे सोने का जिसम मुझ पर नहीं रहा, अफसोस और दुख की हालत में जमीन का वो ऐसा चीख बुलंद करता है। ये सब किस वजह से होता है? इताअत परवरदिगार के अंदर जब बाज़ोकात कोई शख्स डूब जाता है तो बहुत सी इस तरह की करामतें उससे होने लगती हैं। खुद आयतुल्ला मोहम्मद हुसैन ताबाताबाई कहते हैं कि जब मैं जब्ते नफ्स के मराहिल तय कर रहा था और तस्किए नफ्स के मरहले तय कर रहा था, तो हमारे उस्ताद ने कहा था कि तुम्हें बहुत सारी ऐसी चीजें नजर आएंगी जो कि आलम मानवी की होंगी, आलम मादी से हटकर, तो खबरदार उनकी तरफ तवज्जो ना करना, उनकी तरफ तवज्जो ना करना, वरना ऐसा ना हो कि तुम उन फयूज़ो बरकात से महरूम हो जाओ। खुद ताबाताबाई फरमाते हैं कि मैंने देखा कि जन्नत की खूर मेरे पास आई, जिस वक्त मैं अमल कर रहा था जन्नत की खूर आई, और पहले वो सामने से आई, मैंने अपनी निगाहों को नीचे झुका लिया क्योंकि मेरे उस्ताद की मुझे बात याद आ गई थी कि उनकी तरफ मुनहमिक ना होना, वरना ऐसा ना हो कि तुम उन्हीं के नज़ारे में मसलन खो जाओ। बहुत सारी आलम मानवियात जब सैर सलूक के मरहले इंसान तय करता है, गुनाहों से बचता है और इताअत के अंदर जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें उसके सामने खुलती चली जाती हैं उसकी आंखों के सामने से, तो अब हिजाबात चाक हो जाएंगे, चीज़ें नज़र आने लगेंगी मानवियात। फरिश्तों को बाज़ औक़ात इंसान अपनी आंखों से देख, बहुत आगे के मुकाम की मैं अक्सर बात करने लग जाता हूँ, लेकिन एक सामने तो हो कि ये भी हमारे ही जैसे अफराद थे, हमारे जैसे घरों में पैदा हुए थे, इल्म और तकवा हासिल करके कितने बड़े मुकामात के ऊपर फाइज हो गए। कहते हैं हूर फिर दाएं तरफ से आई, फिर बाएं तरफ से आई, फिर पीछे से आई, यहां तक कि वो मायूस होकर चली गई। क्योंकि अगर कभी ऐसा हो जाए कि इंसान मानवियात की चीजें देखकर उसमें खो जाए, तो फिर खुदा उसकी निगाहों से ओझल होने लगता है। जैसे वही जिस तरह हमने पिछली गुफ्तगू में तस्करा किया था कि इधर जरा सी शोहरत इंसान को मिलती है, वैसे तो तबलीग के लिए निकलता है, लेकिन इधर वाहवा सुनता है और शैतान उसका मुद्दा और मकसद अपनी शोहरत के हुसूल करार दे देता है और खुदा उसकी निगाहों से ओझल हो जाता है। कारी, जैसे कि इमाम खुमैनी ने कहा कि बाज़ औक़ात, यह शहीद सानी का शायद जुमला है, कि कारी जिस वक्त अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव के अंदर गर्क होता है, तो उसी वक्त शैतान का मुद्दा और मकसद पूरा हो जाता है। यानी वो अपने आवाज़ जो वो बना रहा है किरत के अंदर, वो फिर उसके दिमाग से खुदा निकल जाता है। अब वो लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए अपने आप को आवाज़ को खूबसूरत बनाकर इस तरह से नियत की तब्दीली वाक़ हो जाती। फिर फरमाते हैं आयतुल्ला ताबाताबाई, खैर इस पर तो अहादीस भी बहुत सारी इस चीज़ पर आई हैं, कि मैं एक ऐसे शख्स को भी जानता हूँ जिसको रोजाना एक फरिश्ता आकर नमाज शब के लिए जगाता है। तो देखिए बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हासिल हो जाती। बाकायदा ईरान के आलिमे दीन थे जो पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक था, एक दफ़ा पाकिस्तान आए थे तो फरमा रहे थे कि मैंने अपने आप से अहद किया था, और ये हमारा एक तरीका आगे चलकर आएगा भी शायद अगली गुफ्तगू में, कि हर शख्स को चाहिए और एक तजर्बा करके देखना चाहिए उसको कि 40 रोज अपने नफ्स से उधार ले ले, ताकि नफ्स फकत 40 रोज के लिए इस तकलीफों को बर्दाश्त कर ले। सिर्फ 40 रोज, अनलिमिटेड टाइम की बात भी नहीं हो रही, पूरी जिंदगी की बात भी नहीं हो रही, कि मसलन आप सोचें कि वो हो अभी तो सारी जिंदगी कैसे मैं अमल करूं, सिर्फ 40 रोज, और इसमें कोशिश करें कि एक गुनाह भी ना हो, एक गुनाह भी नहीं। उन्होंने कहा मैंने 40 का अदद खुद एक बरकत का हामिल है, आप कितनी रिवायात और उसके अंदर भी पढ़ती हैं। तो वो कहने लगे कि मैंने देखा कि जैसे ही 40वां
रोज गुजरा, एक जाहिरी सिफत अदालत भी मेरे अंदर आ गई। यहां तक कि मैं जब यानी गुनाहों से एक भी गुनाह नहीं किया इन 40 रोज में, अपने आप को मुकम्मल कारबंद रखा कि नहीं इधर टस से मस नहीं होगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, सिर्फ 40 रोज। और कह रहे 40वां रोज गुजरा तो मैं यहां तक के दुकानों के अंदर जाता था, मसलन सब्जी लेने के लिए गया, कहा 2 किलो आलू तोल दो, आलू लेकर जितने मैं उसके पलड़े में डालता था पूरे 2 किलो निकलते थे, ना एक छटाक ज्यादा ना कम, कोई भी चीज तोलता था। तो यानी जाहिरी सिफत अदालत भी मेरे अंदर आ गई। यानी बाज़ोकात इस तरह की करामतों का जहूर भी होने लगता है। खैर जरूरी नहीं कि हमेशा हम जाहिरी एतबार से करामत ही इस चीज को समझें। देखिए असल सबसे बड़ी करामत तो यही है, जैसे एक शख्स, एक आलिम, पहले जमाने में एक तरीक़ेकार था कि बहुत सारे अफराद अपने तस्किए नफ्स के लिए और अपनी तरबियत के लिए आलिमों के घर रह पड़ते थे। अब तो खैर मौका भी नहीं है, ना इस तरह की कोई चीज़ें हैं, ना कोई सहूलियात हैं, और शायद ना आजकल के दौर में इस तरह के लोगों को, वरना तो एक बजाय कि वो तस्किए नफ्स करें वो खाने पीने के लिए मसलन पड़ जाएंगे उनके घर आकर। तो ये माहौल भी अब ख़त्म हो गया, लोग संजीदा और सिंसियर होते थे तो आलिमों के यहाँ रुकते थे कि तस्किए नफ्स के हवाले से। 20 साल वो उनके घर रुके, फिर यहाँ तक के जाने लगे और कहने लगे कि मैंने इतने साल आपके साथ रुका है और बहुत बड़ा मैं आपको आरिफ समझा करता था, लेकिन मैंने आपसे कभी कोई करामत होते नहीं देखी। देखिए हम किससे बहुत ज़्यादा मरूब होते हैं, जैसे अभी हम बार बार आयतुल्ला बहजत का भी तस्करा करेंगे, उनकी बहुत सी करामतों का भी तस्करा होता है, जैसे अभी इन तबाही का तस्करा हुआ, लेकिन हम ये सोचते हैं कि शायद कोई करतब वगैरह हमें दिखाए तो हम कहते हैं ओहो ये बहुत बड़ा आरिफ है, एक जगह से दूसरी जगह तय उलर्स करके चले जाना, ये ठीक है, ये सब चीज़ें बाज़ोकात हासिल हो जाती हैं, लेकिन आम तौर पर 99.99 केसेस में परवरदिगार बहुत सारी दुनियावी चीज़ें भी उनसे सल्व कर लेता है। हो सकता है बहुत से ऐसे नेकोकार अफराद आपको ज़्यादा मुसीबतों में मुबतला नजर आए, बहुत ज़्यादा परेशानियों के अंदर मुबतला नजर आए, कोई करामत भी उनसे सरजद आप होते ना देखें, तो वो जाकर उसके भी दिमाग में कॉन्सेप्ट यही था कि शायद कोई हवा में उड़ता हुआ जा रहा हो, कोई जो है तैउलर्स करता हुआ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, कोई करतब दिखाए इस तरह का तो हम उसको आरिफ माने, कहा कि कोई करामत सरजद होते नहीं देखी। उन आलिम ने कहा कभी ये बताओ कि तुम 20 साल से यहां पर हो, कभी तुमने मुझे कोई गुनाह करते देखा है? उसने कहा नहीं गुनाह करते तो कभी नहीं देखा। कहा कि इससे बढ़कर करामत क्या होगी कि 20 साल किसी शख्स के साथ जिंदगी गुजारो और कभी उससे गुनाह होते ना देखो। असल करामत ये है, हम बाज़ोकात इस किस्म के जो जाली टाइप के पीर उल्टी सीधी के उन्होंने फलां के मुतालिक कहा वो बात सच्ची साबित हो गई, वो फलां औरत उनके पास गई कहा तुम्हारा बेटा होगा देखिए उनके यहाँ हो गए, छोटी छोटी सी इस किस्म की जो अंदाजा लगाने वाली बातें उससे ही लोग बड़े मरूब हो जाते हैं, सब जहालत की दलील। असल में कोई शख्स शरीयत के ऊपर कितना आमिल है कितना ज्यादा, इससे अंदाजा होता है वो कितना बड़ा आरिफ। जब भी आयतुल्ला बहजत जो अक्सर लोग उनके कहते थे कि हम इरफानियात का कोई दर्ज दें, वो कहते थे क्या तुमने तौजील मसाइल पर मुकम्मल अमल कर लिया? कहा कि आगा कोशिश तो करते हैं कि अमल हो जाए। कहा जब कोशिश में कामयाबी हो जाए फिर आ जाना मेरे पास, पहले रिसाले अमलिया पर अमल करो, तौसील मसाइल पर अमल करो, अपनी जिंदगी को अहकामत शरीयत के दायरे के अंदर तो लेकर आओ। तुम समझते हो कि तुम्हें सिर्फ अमलियात बताए जाएं और तुम कोई पावर्स तुम्हारे हाथ में आ जाए और लोगों को कर्तव्य दिखाते फिरो और जो है वो अपना गर्विदा बनाओ उससे दुनिया हासिल करो? नहीं बिल्कुल, उलमा महाराज से सख्त शिद्दत से मुखालिफ। तो ये तमाम चीजें ऐसी, तो उन्होंने कहा सिफत अदालत जाहिरी तौर पर मेरे अंदर जो है वो आ गई थी, तो ये बहुत अहम तरीन चीज है। यही वजह है कि इमाम खुमैनी अलैहिर रहमा इंतकाल से कुछ अरसे पहले, बल्कि इंतकाल से थोड़ी देर पहले, ये तो थोड़ी इससे और पहले की तस्वीर है आपके सामने, लेकिन थोड़ी देर पहले उन्होंने घर की तमाम खवातीन को अपने पास बुलाया था, सारी खवातीन। देखिए आयमा मासूमीन का भी यही तरीक़ाकार था, घर के सारे अफराद को जमा करते थे शहादत से पहले। आयमा की कितनी है कि जाकर आप बाकायदा वसीयतों का एक पूरा चैप्टर है कि कौन कौन से इतना अहम मौजू होना चाहिए आपके ख्याल में, एक इंतहाई दिलचस्प के आखिरी वक्त में कौन से नबी ने क्या वसीयतें की हैं। देखिए आखिरी वक्त सबसे अहम तरीन वक्त होता है, उस वक्त अगर इंसान कोई बात कहे तो खुद हमारी मेडिकल साइंस में भी डाइंग डिक्लेरेशन एक चीज कहलाती है। उस वक्त जो भी अगर कोई शख्स अपना आखिरी बयान देता है तो उसको कानूनी भी एक हैसियत दी जाती है, मरता हुआ शख्स कभी गलत बयान ही नहीं कर सकता मसलन। तो सारी खवातीन को जमा किया और कहा कि मैं तुमको खवातीन वसीयत करता हूं, घर की अपनी महरम बहुओं को जमा किया, बेटियों को जमा किया, और जौजा मोहतरमा को तो अभी कुछ ही अरसे पहले इंतकाल हुआ इमाम खुमैनी की, सब जमा हुए। कहा कि मैं एक वसीयत करता हूं, देखो
कभी गुनाहों में मुबतला ना होना, कभी गुनाह ना करना। ऐसा नहीं कि बस अमूमी सी गुफ्तगू, इंतहाई अहम तरीन मौके पर कि जबकि रूह कफ़स अंसरी से परवास कर रही है और मलाए आला की तरफ परवास करने वाली, उस मौके पर नसीहत कर रहे हैं, उस मौके पर एक वसीयत कर रहे हैं। ये एक बहुत अहम बात है गुनाहों से बचने के हवाले से। और पिछली दफा तो जैसे कि आपने सुना ही था आयतुल्लाह जवाद मलकी तबरेजी का जो मैंने वाकया भी पेश किया था कि बहुत सारे गुनाह इस किस्म के हैं कि जो इल्म में भी रुकावट बनते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था कि जब ने उस रिश्तेदार के जूते सीधे करके रख दिया करो, फिर दोनों के दरमियान दिल में कीना दूर हुआ। तो आयतुल्लाह जवाद मलकी तबरेजी फिर कहते हैं कि जो हमने इरफान और इल्म का जो एक पूरा अरसा था वो इंतहाई इत्मीनान के साथ जैसे कि बंद सा टूट गया और तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ते चले गए। अच्छा, अब एक मसला पैदा होता है कि आखिर हमें ये सब बातें पता है, ये सबसे बड़ा अहम मसला है। हमें ये सब पता है, गुनाहों की मजम्मत भी पता है, नेकियों की अच्छाई भी हमको पता है, उसके नताइज और आवाकिब से भी हम बाखबर, हमें पता है कि हाँ ये अजाब होगा, वो अजाब होगा, वो अजाब होगा, फिर भी आखिर हमसे गुनाह क्यों नहीं छूटते? देखिए, है ना एक सवाल, बड़ा आम सवाल है, सब कुछ पता है फिर भी हमसे गुनाह क्यों नहीं छूटते? तो इसकी दो तीन वजूहात। सबसे पहली वजह तो ये है कि हम मुतमन्नी हैं, मुरीद नहीं। देखिए, ये खासतौर पर बात दिमाग में रहे, तमन्ना है हमको कि हमसे गुनाह ना हो, लेकिन मुरीद कहते हैं साहिब इरादा को, हमने कभी इरादा किया ही नहीं संजीदगी के साथ हम गुनाह ना करें। तमन्ना जरूर की है भाई, हर शख्स की तमन्ना है कि हमसे कोई गुनाह ना हो, लेकिन फिर भी हो जाते हैं। नहीं, देखिए, आप जब भी किसी काम का वाकईतन आप इरादा करती, आपका इरादा कर लेती मुझे इस दफा नए कपड़े बनाने, अब शौहर से झगड़ा करना पड़े आपको, हर सूरत में उसकी पैंट से मसलन चुराने पड़े पैसे आपको, सारे काम आप कर जाती, वालदेन से कितना झगड़ा करती हैं, बहुत सी बातों को अगर मनवाना हो, कितनी चीजें होती, लेकिन क्या है उसमें सिर्फ तमन्ना की हद तक नहीं रहती, आपका इरादा होता है कि मैं ये काम करूंगी और वो काम कर लेती हैं। तो हमेशा ये बात याद रख लीजिए, गुनाह कभी तमन्ना करने से नहीं छूटते, मुतमन्नी बनने से काम नहीं चलेगा, मुरीद बनना पड़ेगा, साहिब इरादा। आपने घर से आज इरादा किया था माशाल्लाह कितने नेक काम का कि मैं मदरसे इल्म हासिल करने के लिए जा रही हूं, आपने घर के काम निपटाए, सारी चीजें घर में सब की होंगी ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो, बहुत सी खवातीन हो सकता है, खाना भी पकाकर आई हूं घर में, अपने सारे उमूर निपटाए क्योंकि आपका पक्का इरादा था। अगर आप फकत ऐसे ही जैसे हमने जो एक किताब उसमें से मदरसे की ले लीजिएगा, गुनाह छोड़ने के तरीकों पर 40 तरीके उसके अंदर जिक्र किए हैं, उसके अंदर कि अगर कोई शख्स मरीज हो जाए मसलन, उसमें भी मिसाल लिखी हुई टीबी का मरीज हो जाए, बस फकत बैठा हुआ रोता रहे कि मुझे बीमारी हो गई, ना दवा करे, ना परहेज करे, ना इलाज के लिए जाए, ना इलाज करने का कोई इरादा करे, बताइए उसका मर्ज कभी ठीक होगा? कभी भी ठीक नहीं होगा, कभी भी ठीक नहीं होगा वो, इस वजह से कि उसने इरादा ही नहीं किया। और इरादा करने का लाजमा यह है कि अमली इकदाम करने पड़ेंगे, वो चीजें करना पड़ेंगी कि जिसकी वजह से जो हम आगे चलकर हम तस्करा करने वाले हैं कि आपको करना क्या होगा। तो हमसे गुनाह ना छूटने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम मुतमन्नी हैं, मुरीद नहीं। हमने फकत तमन्नाएं की हैं, ख्वाहिशात की हैं, और इससे कुछ नहीं होता, तमन्ना और ख्वाहिशों से कभी कोई चीज हासिल नहीं होती। आपको बाकायदा तौर पर इरादा करना पड़ेगा, आपको इरादा करना पड़ेगा कि मैं आइंदा ये गुनाह नहीं करूंगी। तो एक अहम तरीन वजह ही है। और जब आप इरादा कर लेंगे, आप देख लीजिए एक दिन के, वो तो 40 रोज की बात थी ना उस आलिम दीन की, जो पाकिस्तानी आलिम दीन का वाकया मैंने पेश किया, आप एक एक दिन से इब्तदा कीजिए, 40 रोज का अहद ना करें, आज का पूरा दिन नमाज फजर के बाद आप इरादा कर लें पुख्ता के पूरे दिन एक गुनाह भी नहीं करूंगी, चाहे आपको घर पर मुख्तलिफ जगहों पर पोस्टर लगाने पड़ जाए, हर कमरे में कोई ना कोई ऐसी निशानी, कोई ऐसी चीज मुकर्रर कर लें कि आपको पता चल जाए, कोई ऐसी निशानियां मुकर्रर कर लें कि जिस जगह से आप गुजरे आपको ये बात याद रहे कि नहीं ना आज मैं गीबत करूंगी भी नहीं, ना गीबत सुनूंगी, ना झूठ बोलूंगी, ना मसलन कोई मौसीकी सुनूंगी, ना इस तरह की जितनी चीजें जो बड़े बड़े गुनाह इनसे अपने आपको बचाऊंगी। एक एक दिन का ऐसे आगाज करें, उसके बाद बढ़ाते हुए आगे की तरफ जाए, जो वैसे तफसील आगे चलकर आने वाली। तो पहली वजह तो ये है कि हमने तमन्ना की, इरादा नहीं किया, तो इरादा आज से शुरू करें तो ये पहला मरहला तय हो जाएगा। दूसरी वजह हमारे गुनाह छूटने की जो नहीं होती, हमसे गुनाह क्यों नहीं छूटते, उसकी दूसरी वजह यह है कि हमने कभी अपनी जहानत को और मेंटल फैकल्टीज को इस्तेमाल ही नहीं किया गुनाह छोड़ने के सिलसिले में।
आप देखिए खवातीन कितनी माहिर होती हैं, बाज़ औक़ात मर्द भी उसके अंदर बहुत सी चीज़ों में दखल नहीं देते। घर का मसलन जेवर खरीदना है, घर में कोई शादी होने वाली है, फला खातून वो बड़ी तेज़ हैं, वो जाएंगी जेवर खरीद के मसलन लाएंगी। कपड़ा खरीदने के लिए कितनी आप बार्गेनिंग करते हैं, कितनी वो दुकानदार से आप वो करती हैं, वो भी आंखों में सुरमा लगा के बाजी बाजी करके खूब बेवकूफ़ बना रहे होते हैं सब लोगों को, और ज़्यादा कीमत बता के कम कर देती हैं। आप भी बहुत खुश खुश घर में वापस आती हैं कि देखा मैं कितना कम करवा के लाई, और वो हंस रहा होता है कि मैंने ज़्यादा कीमत पहले ही बता दी थी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन आप अपने दिमाग को पूरा इस्तेमाल करती हैं, पूरा दिमाग को इस्तेमाल करती हैं चीज़ों को खरीदने में और अपने मकासद को पाए तकमील तक पहुँचाने में। लेकिन यहाँ जब भी मौका दीन का आता है, हर शख्स इंतहाई बेवकूफ़ अहमक गबी और कुन जहन बन जाता है। कुछ पता नहीं फौनक को कितना देख रहा होता है, कुछ पता नहीं कि अब इस मौके पर मेरी क्या जिम्मेदारी है, क्या मुझे करना चाहिए, कुछ भी उसको पता नहीं होता। दीन के मामले में सारे लोग जो उससे पहले कलाबे मिला रहे होते हैं और घंटों घंटों बहस कर रहे होते हैं, लेकिन दीन का मामला आता है तो सारे कुन जहन बन जाते हैं, अपने दिमाग और जहानतों को इस्तेमाल ही नहीं करते। मसलन कितना परेशान होना चाहिए जहानत की, मुझसे गुनाह नहीं छूट रहे, इनका लाजमी नतीजा जहन्नुम की आग में जलना है हमेशा हमेशा की जिंदगी, मेरी जो आखरत में मैं गुजारूंगी इस मेरे साथ क्या होगा, और ये फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूं। अब आपको परेशान हो जाना चाहिए, अपनी जहानत को इस्तेमाल करना चाहिए, उलमा से रुजू करना चाहिए, जानने वाले अफराद के पास जाना चाहिए, मैं कैसे अपनी चीज अपने वाजिबात को कैसे उतारूं, नमाजें मुझ पर इतनी हैं, रोजे मुझ पर इतने हैं, फला खुम्स मैंने अब तक नहीं दिया है, कितनी चीजें मुझ पर बाकी हैं, कल को खुदा ना खास्ता में मर गई तो मेरा क्या होगा। अब क्या है, अब अपनी जहानत को इस्तेमाल कर रही, कब्र में कौन कौन सी चीजें मेरे लिए कारावत है, अभी से मैं चीजें जमा करके रख लूं अपने पास, क्या करूं। यहां ये हो रहा है जहानत का इस्तेमाल, जो कि हम पूरी जहानत को मुकम्मल, अब आम से नौजवान को देखें, वर्ल्ड कप के पिछले जितने वर्ल्ड कप अब तक हुए, कौन कौन से खिलाड़ियों ने क्या क्या स्कोर किए हैं और कौन कौन से रिकॉर्ड उनके हैं, सारे बच्चे जबानी बता सकते हैं, लेकिन जरा सा आप पूछ लीजिए कि जनाब फला इमाम की वालदा का नाम क्या है, तो सारे लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगते हैं। किसी से पूछ लीजिए कि जनाब हर शख्स को पुल सरात पे से गुजरना है, पुल सरात पे से आसानी से गुजरने के अमाल कौन से, हर शख्स को मसलन कब्र के अंदर जाना है, अजाब कब्र से बचने के असबाब बताइए क्या है, हर शख्स को मीजान के पे उसके नामा अमाल को तोले जाएंगे, वहां पे कौन कौन सी नेकियां काम आएंगी, किसी को कुछ भी नहीं पता, इस वजह से कि आखरत के मामले में हमने अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं किया। ये दूसरी वजह है, जहानत को इस्तेमाल कीजिए खुदा के लिए। दुनिया के मामलात में हम अपनी जहानत का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, आखरत के लिए और गुनाह छोड़ने के लिए कभी जहानत को इस्तेमाल नहीं करते। नए नए तरीक़ेकार लेकर आइए, सोचिए कि मैं कैसे इस गुनाह से अपने आप को बचाऊं। रोजाना मुझसे कितनी गीबतें हो रही हैं, रोजाना मुझसे कितने झूठ मैं बोल रही हूं, रोजाना मसलन में कितना टीवी के ऊपर मौसीकी सुन रही हूं, कैसे मैं अपने आप को बचाऊं इससे। तो अब उसके बाद फिर ये मरहले शुरू होंगे जब अपनी जहानत को इस्तेमाल करेंगे। तीसरी वजह यह है कि मुसलसल कोशिश हम नहीं करते, मुसलसल कोशिश। हमने एक आध दफा कोशिश की, सोचा कि भाई अब आइंदा मैं कभी कोई गीबत नहीं करूंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर हो गई, अगले दिन फिर हो गई, बस एक आध दफा की कोशिश की। ऐसा ही है जैसे किसी को ब्लड प्रेशर का मर्ज हो जाए और वो ये सोचे कि बस एक गोली खाने से मैं ठीक हो जाना चाहिए। नहीं जनाब, अब सारी जिंदगी जिसको ब्लड प्रेशर हो जाता है रोजाना गोली खाता है, डायबिटीज किसी को हो गई अब रोजाना जो है शुगर की गोलियां वो खा रहा है, कब कहता है कि नहीं एक बस दो तीन दफा तो मैं इलाज हो जाना चाहिए, दो तीन गोलियों में या दो तीन दिनों के अंदर। वहां तो ऐसा नहीं होता, जिस्मानी उसके अंदर की जो कि इसको गलना सड़ना ही है जिस्म को, उसके लिए हम कितने इकदामात करते हैं, कितने डॉक्टरों के पास जाते हैं, लेकिन रूह हमारी अंदर से घुन की तरीके से गुनाह इसको खाते चले जा रहे हैं और तबाह बर्बाद हमारी रूह हो गई है। इसके अंदर कितने सुराख हैं, कौन कौन सी बीमारियां इसको नहीं लगी हुई, लेकिन हम कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते जो रूहानी डॉक्टर हो, मसलन किसी आलिम के पास जाए। रूहानी डॉक्टर आपको किताबों की सूरत में, उसके अंदर भी आपको अपने बहुत से चीज़ों के इलाज मिल जाते हैं, कितने फलों सब्जियों के इलाज वगैरह ये सब आप किताबों के अंदर ही से तो देखती हैं। तो इस सिलसिले में अहादीस मासूमीन भी हैं कि इन गुनाहों से कैसा पीछे छोड़ाएं, जरूरी नहीं कि हमेशा किसी आलिमी के पास भागी हुई जाएं, कभी जरूरत पेश आए तो वहां पर भी जाना पड़ता है, लेकिन जब बहुत सी चीज़ें हल हो सकती हैं, आपके घरों में बहुत सी किताबें आइमा मासूमीन के इरशाद आते हैं, सब हल उसके अंदर भी मौजूद हैं। ये तमाम हमारे कुलूब के जंग को दूर करने के लिए काफी हैं, चीजें सब मौजूद हैं, बस सिर्फ तलाश करना है, जहानत को इस्तेमाल करना है और मुसलसल कोशिश करनी, मुसलसल कोशिश। कुरान की एक आयत जब नाजिल हुई थी ना, फस्तकिम कमा उमिरतु, ए रसूल इस्तकामत इख्तियार करो जैसे कि तुमको हुक्म दिया गया, इस्तकामत। तो पैगंबर इस आयत के नाजिल होने के बाद अगले दिन लोगों ने देखा था कि पैगंबर इस्लाम के बाल सफेद हो गए, बाल सफेद, ओवरनाइट ग्रेइंग ऑफ हेयर, बाकायदा हमारा एक
फिनोमेना है मेडिकल साइंस में भी, एक रात में भी बासोकात बाल सफेद हो सकते हैं, ओवरनाइट, यानी पैगंबर के साथ ये हुआ। इतनी ऐसी इस्तकामत, ऐसा ना हो कि जैसे जैसे अभी आप आई हैं, थोड़ा सा दिन गुजरेंगे, जरा से गर्मियां शुरू हो जाएंगी, थोड़ा कहीं किसी उस दिन कहीं जाना पड़ गया, जरा सी थकावट हो गई, अब फौरन इस्तकामत, इस्तकामत क्योंकि नहीं रही, मदरसा छूट गया, जरा सी कुछ परेशानियां हैं, किसी ने कुछ कह दिया, ताना दे दिया, तंस कर दिया, मदरसा छोड़ दिया, कोई सा प्रोग्राम शुरू हुआ, किसी घर में दर्स हुआ, दो तीन दर्स हुए, उसके बाद से दर्स होना बंद हो गए, किसी घर के अंदर कोई दुआओं का सिलसिला शुरू हुआ, जनाब दुआ कुमैल या हदीसे किस्सा होगी, चंद दिन चला, उसके बाद छूट गई, एक इस्तकामत ना होना, हमेशा मुसलसल कोशिश करते रहना, मुसलसल मुसलसल मुसलसल, यही वजह है कि हमसे गुनाह नहीं छोड़ते छूटते, एक आध दफा बस की कोशिश, उसके बाद जब वो उसमें नाकामी हो गई तो छोड़ के बैठ गए, तो फिर आपको ब्लड प्रेशर के मर्ज के लिए दवा भी छोड़ देनी चाहिए थी, फिर शुगर की दवा भी छोड़ देनी चाहिए थी, और कितनी दवाएं बाज़ों का रोजाना खाने की, वो सब छोड़ देनी चाहिए, फिर हम कहेंगे कहा ठीक है जनाब, अब आप जो है शायद आपको गुनाह करने की भी इजाजत मिल जाए, क्योंकि आप दोनों चीजों से बिल्कुल आ रही हो गए, ना जिस्म की आपको परवाह, ना कोई रूह की भी परवाह। लेकिन हम देखते हैं कि रूह जिस्म के मामले में जिसको बिल आखिर कब्र के कीड़ों की गजा बनना है, उसके लिए हम कितना ज्यादा एहतमाम कर रहे हैं, और वो रूह जो हमेशा हमेशा साथ रहेगी, उसके साथ हम क्या सलूक कर रहे हैं। तो बहरहाल यही वजह है कि जो इस्तकामत, इसको आपको ये खुद देखना है कि ऐसा ना हो कि बहुत कमजोर सा आपका इरादा हो, कमजोर इरादा, जैसे कि इमाम खुमैनी कहते थे कि इंसानी इरादे को कमजोर करने वाली कोई भी चीज गुनाह और मौसीकी, गाने और मौसीकी से बढ़कर नहीं। ये सबसे ज्यादा, क्योंकि हम टीवी और मुख्तलिफ जराए से बहुत ज्यादा मौसीकी हमारे कानों में जाती, बहुत ज्यादा गाने हमारे कानों में जाते हैं, तो इस वजह से हमें वो सिफत जो है इस्तकामत वाली और इरादा इरादे वाली, कि इरादे की मजबूती, ये हमें बहुत कमजोर पड़ गई, ये कमजोर पड़ गई। इसकी वजह यही वजह होती है कि हम किसी भी चीज का इरादा करते हैं लेकिन पाए तकमील तक नहीं पहुंचा पाते, उसको दाखला लिया मदरसे में छोड़ दिया, कोई चीज काम अच्छे नेक काम का इरादा किया करना शुरू किया, दो तीन दफा के बाद छोड़ दिया, कोई जिक्र पढ़ना शुरू किया कहा ताकीबाद में फला फला दुआ और फला सूरा पढ़ेंगे, दो तीन रोज पढ़ा फिर छोड़ दिया, यानी कभी कोई चीज पूरी आगे बढ़ने ही नहीं पाती, इस वजह से कि इंसानी इरादा बहुत कमजोर हो गया है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं जिसमें से एक वजह सिर्फ मैंने बयान की। अच्छा, इसी तरीके से अभी जिक्र हुआ था सैयद मेहदी बहरुल उलूम का, जिन पर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम होने का लोगों को गुमान होता था, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। शागिर्द उनके कहते हैं एक दफा सैयद मेहदी बहरुल उलूम दर्स दे रहे थे, दौराने दर्स देते देते मुस्कुराए। शागिर्दों ने कहा कि दौराने दर्स मुस्कुराना तो आपकी आदत में शामिल नहीं, कभी हमने मुस्कुराते नहीं देखा दौराने दर्स आप। कहा कि 20 साल की मेहनत शाका के बाद आज मुझे दौराने दर्स ऐसा महसूस हुआ है कि मेरे आमाल रियाकारी से पाक हो गए। 20 साल की मेहनत शाका के बाद, 20 साल कितना बड़ा है, एक गुनाह के पीछे लग गए थे कि ये मेरे दिमाग में पैदा ना हो, रियाकारी से अपने आप को पाक करना 20 साल लग गए बाज़ोकत। आपको सोचें 20 साल कोई मामूली चीज नहीं होती, एक गुनाह के लिए पीछे बाज़ोकत कितनी मेहनत करना पड़ती। यही वजह है कि कितने मुज्तहिदीन भी कहते हैं और इमाम खुमैनी ने भी गालिबन चहले हदीस में लिखा है कि अगर कोई शख्स एक दफा शुरू कर दे, अपने दौरान दर्स कहा करते थे कि अगर कोई शख्स एक दफा तस्किए नफ्स करना शुरू कर दे, अपना अपने आप को गुनाहों से बचाना शुरू कर दे, तो बासों का दिल में आपके आता है ना, अच्छा 20 साल जब मेहदी बहरुल उलूम को रियाकारी से बचने के लिए लग गए तो हमें तो पता नहीं कितने 200 साल लग जाएंगे, और एक एक गुनाह को हम अलग अलग करते गए तो कई हजार साल या उम्र नूह हमें चाहिए मसलन गुनाहों से अपने आप को बचाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपने इस राह पर कदम आगे बढ़ा दिया, इमाम खुमैनी फरमाते हैं कि पहला कदम आपने उठा लिया और गुनाह छोड़ने के लिए इकदाम करना शुरू कर दिए, और उसके बाद इस दौरान आपको मौत आ गई, तो इंशाल्लाह रहमत खुदा आपके शामिल हाल होगी और आप बख्श दिए जाएंगे। आपने क्योंकि उसके बाद जिंदगी ने आपसे वफा नहीं की, परवरदिगार ने खुद ही अपने तरफ अपने जवार में आपको अपनी रहमत के साए में ले लिया और आपको अपने पास बुला लिया, वरना तो आपका इरादा यही था कि बस अब मैंने अपनी कजा नमाजें उतारना शुरू कर दी, रोजाना मसलन एक नमाज। मैं नहीं कहता कि आप अपनी कजा नमाजें जो हैं वो उस रोजाना जो है कई कई दिनों की पढ़ना शुरू कर, रोजाना एक नमाज से इब्तदा कर। आज मसलन मैं फजर की कजा पढ़ूंगी, अगले दिन जोहर की कजा पढ़ूंगी, उसके बाद तीसरे दिन असर की कजा पढ़ूंगी, चौथे दिन मगरिब, पांचवें दिन ईशा, और उसके बाद फजर की, फिर दोबारा छठे रोज बारी आएगी।
फिर आप देखेंगे कि अरे ये तो बहुत कम है, अब मुझे बढ़ाना चाहिए, फिर दो दो नमाजें शुरू कर दें। इस तरह से आपको करना पड़ेगा, तो ये होगा कि आपने उस राह पर कदम आगे बढ़ा दिया, और फिर अगर कोई ऐसा हुआ जिंदगी ने वफा ना की और परवरदिगार को कुछ और मंजूर हुआ और हम किसी वजह से दुनिया से हम रुखसत हो गए, तो परेशान होने और घबराने की कोई बात नहीं, अब रहमत खुद आपके शामिल हाल हो जाएगी, क्योंकि आपने उस राह पर कदम आगे बढ़ा दिया था। ये एक बहुत अहम बात, तो इसका खसूसियत के साथ आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इसी तरीके से शेख अब्बास कौमी का भी पिछली दफा, जैसे कि मैं कहा कि इंसान जब गुनाहों से अपने आप को बचाता है तो कितनी करामतों का जहूर होने लगता है। शेख अब्बास कौमी के मुतालिक मिलता है कि एक दफा दवा पानी में मिलाकर पीनी थी, दवा खत्म हो गई। जौजा मोहतरमा आई, कहा कि दवा तो खत्म हो गई है, इस वक्त मिलना भी मुमकिन नहीं। इन्होंने कहा कि मैंने अपने इन उंगलियों से ना जाने कितनी हजारों अहादीस मासूमीन लिखी, इनके अंदर खुद एक शिफायाबी की कैफियत पैदा हो गई, पानी के अंदर अपनी दोनों उंगलियां हिलाई और उस पानी को पी लिया और उसी पानी से उनको शिफा हो गई। यानी बाज़ोका देखिए, इंसान नेकी के असरात इस दुनिया के अंदर भी जाहिर होते हैं, यानी अपनी फकत इन दो उंगलियों को अहादीस मुबारक मासूमीन लिखकर, उससे लिखा था उन्होंने, इतनी शिफायाबी और बरकत इनके जरिए कि दवा नहीं भी मौजूद रही तो पानी में उंगलियों को हिलाकर पी लिए। اللهم صل على محمد وعلى محمد अच्छा, अब एक शैतान एक वसवासा डालता है। शैतानी वसवासा क्या होगा कि भाई ठीक है, हम आज से हमने इरादा कर ली कि हमसे कोई गुनाह नहीं होगा, कोई गुनाह हमसे नहीं होगा, इरादा कर लिया। शैतान दिमाग में डालेगा कि देखो तुमने इससे पहले भी कितनी दफा कोशिशें कर चुके हो, लेकिन फिर तुमसे ये चीज हो गई थी, तो बार बार अल्लाह से ये ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है, ऐसी तौबा का कोई फायदा नहीं, और आपको तौबा करने से रोक देगा। एक मायूसी सी शैतान दिलों में डालता, इन्ना कैदा शैताना काना ज़ईफा, कुरान की आयत है, शैतान को मकरो फरेब इंतहाई कमजोर होते हैं। मोमिन ने अपने दिमाग में सोच लिया कि शैतान बहुत ताकतवर है, हरगिज भी नहीं, कुरान में कि हमने इसको तुम पर कोई तसल्लुत नहीं दिया है। शैतान का काम फकत वसवसा डालना है, ऐसे ही जैसे कोई आपके कान में आके कहे तो इसको कत्ल कर दो, तो क्या फौरन उस वसवसे से अमल के कत्ल, आप पूरी साहिब इरादा है, आप एकदम से दिमाग से झटक दीजिए, बेवकूफाना ख्याल है, अहमकाना चीज है कि दिमाग से एकदम झटक दिया, आप साहिब इरादा है, आप नहीं उस इरादे के ऊपर अमल करें। शैतान को आप पर कोई तसल्लुत नहीं दिया गया, और कुरान की आयत है कि शैतान के मकरो फरेब इंतहाई कमजोर है, फकत एक दफा लाहौल भी अगर आप कह देंगे कि पूरे उसके तार पर बिखर के रह जाएंगे, उसके पूरे जाल के जो वो आपको फंसाने के लिए अपना फेंकता। तो बहरहाल दिमाग में शैतान ये लाएगा आपको कि तुम्हारी तौबा तो पहले भी कई दफा टूट चुकी, अब भी टूट जाएगी, क्या फायदा ऐसा करने से, परवरदिगार से इस किस्म का खेल खिलवाड़ करने की क्या जरूरत है तुमको। तो हमेशा ये बात याद रखिए, तौबा करने से पिछली जिंदगी के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। जिस तरह हज के लिए लोग कहते हैं ना, गलत दिमाग में एक सोच है कि भाई जब हम बुड्ढे उड्ढे हो जाएंगे ना, उसके बाद हम हज करने के लिए जाएंगे ताकि उसके बाद फिर कोई गुनाह ना करें। अरे जब आप जवानी में ही जा रहे हैं, जब इस्तेताअत हो जाए तो जाना वाजिब हो जाता है, हज में पिछले तमाम गुनाहों की माफी मिलती, आगे का नहीं देखा जाता इतना, आगे भी इंसान फिर तौबा की रबर उसके पास है, लेकिन पिछले जिंदगी के सारे गुनाह माफ हो जाते। तो शैतान दिमाग में डालेगा, तो एक बात याद रख लीजिए, ये जो एहसास आपके दिमाग में आ रहा है ना कि मेरी तौबा फिर टूट जाएगी, अब मैं मुश्किल से जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं, ये एहसास ज़ौफ है, इरादा शिकस्त अज़्म तौबा नहीं, ये कमजोरी का एहसास है। आपको पता है कि इंसान को ज़ईफ पैदा किया गया, कुरान की आयत, हमने इंसान को ज़ईफ पैदा किया, जब पूरे का पूरा इंसान ज़ईफ है तो जुज उसका इरादा उसका जुज ही तो है ना, वो भी ज़ईफ होगा जब पूरा इंसान ज़ईफ है, तो ये एहसास कमजोरी है, आपको अपने ऊपर इतना एतमाद नहीं है, परवरदिगार पिछली जिंदगी की तौबा करती हूं लेकिन आगे का मुझे कुछ पता नहीं, मैं बहुत कमजोर हूं, ये गुनाह मुझसे दोबारा ना हो जाए, ये एहसास ज़ौफ है, इरादा शिकस्त अज़्म तौबा नहीं, यानी आप इरादा नहीं कर रही कि मैं आइंदा भी ये गुनाह करूंगी, लेकिन शैतान इस वसवसे और धोखे में आपको डालता है कि आपसे तो गुनाह दोबारा हो जाएगा, लेकिन आप इरादा नहीं कर रहे कि मेरे गुनाह दोबारा होगा, लेकिन आपको पता है कि मैं कमजोर बहुत हूं, हो सकता है गुनाह मुझसे दोबारा हो जाए, तो उसके लिए परवरदिगार से आप मदद तलब करें कि आइंदा भी आपको उस गुनाह में मुबतला होने से बचाए, लेकिन शैतान इस धोखे में डालकर आपको उसमें मुबतला कर देता है।
कि आप जो है तौबा की तरफ मायली ना या तौबा की तरफ आने लगे तो ये अपने इस किस्म के वसवसों को डाल के आपको तौबा से रोक देता। अच्छा अब आ जाइए, हम उन तरीकों का जिक्र कर रहे हैं कि जो हम गुनाह छोड़ने के लिए हमें बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। सारी तमहीदी बातें थी। अब देखिए गुनाह छोड़ने के जो तरीके हैं इसमें दो तरह के तरीके बने, एक तो कुछ अमूमी तरीके हैं कुछ खसूसी तरीके हैं। लेकिन इतनी तमहीदी के अंदर जब एक घंटा गुजर जाएगा तो आधा घंटा फकत है, लेकिन बहरहाल दो हमने सोचा था कि दो नशिस्तें आपकी गुनाह छोड़ने के तरीके पर होंगी। बाकी जो मसला रह जाएगा आप किताब से हल कर सकती हैं, मदरसे की इस मौजू पर किताब भी मौजूद है। तो गुनाह छोड़ने के कुछ अमूमी तरीके हैं कुछ खसूसी तरीके हैं। खसूसी तरीके तो अलग से हैं, मसलन अगर कोई शख्स अपने अंदर महसूस करे कि भाई मेरे अंदर गुरूर और तकब्बुर बहुत है, अब इसके लिए कुछ स्पेशल किस्म के मेजर्स करने पड़ते हैं, कुछ खास इकदाम करने पड़ेंगे। बाज़ औक़ात इस तरह की, जैसे एक सहाबी को पैगंबर इस्लाम ने कहा था कि अब तुम मौजिज थे बहुत, कहा कि दरवाजे पर जाओ और खजूरें बेचो। मासूमीन से कितनी रिवायात है, किसी मौजिज आदमी को किसी को कहा जाए जो बड़े माशरे में जिसका एक मुकाम हो कि वो मसलन छाबड़ी लगा के और जो है वो चीजें बेचे। लेकिन क्या है, गुरूर तकब्बुर को तोड़ना इस वक्त मकसूद है। कुछ मिसालें आमूमी जो खसूसी वो तो हम आगे चलकर जैसे जैसे मौजूआत के अदवार से गुफ्तगू की उसमें आएंगे, लेकिन हम कुछ अमूमी तरीकों का तस्करा करेंगे। वो अमूमी तरीके कि अगर आपने इनको इन पर अमल कर लिया तो आपके अंदर खुद ब खुद ये सलाहियत अमूमी तौर पर पैदा हो जाएगी कि आपको गुनाहों की तरफ से रगबत बहुत कम हो जाएगी। यानी ये इन तरीकों में जो खुद तमाम आइमा मासूमीन के बताए हुए हैं, उलमा कराम के बताए हुए तरीके हैं, इनको करने के बाद अमूमी सलाहियत गुनाह मुतासिर हो जाएगी आपकी। यानी आपका बाज़ोकात दिल नहीं चाहेगा, बाज़ोकात आप जिस तरीके से गुनाह में मुबतला होने जा रही होंगी और कन्नी कतरा के वहां से मसलन निकल जाएंगी, आपका रुख एकदम से तब्दील हो जाएगा, आपका गुनाह करने को दिल ही नहीं चाहेगा मसलन। तो ये वो तरीके आपकी खिदमत में अब जो है वो बयान होंगे। तो सबसे पहला तरीका जो इसके अंदर वो दो सूरे ऐसे हैं कि ये अगर कोई शख्स रोजाना नमाज फजर के बाद सूरे तौहीद की तिलावत करे, सूरे कुल हुवल्लाहु अहद, रोजाना नमाज फजर के बाद सूरे तौहीद और सूरे कदर की तिलावत करे, तो मासूमीन से मरवी रिवायात है जिसमें ये कहा गया है कि शैतान उस रोज ख्वा कितना ही जोर क्यों ना लगाए उससे कोई गुनाह नहीं करवा सके। रोजाना नमाज फजर के बाद अगर सूरे तौहीद और सूरे कदर की इस नियत से तिलावत की जाए, शैतान ख्वा कितना ही जोर क्यों ना लगाए कोई गुनाह नहीं करवा सकेगा। एक एक दफा कम से कम, कम से कम, वैसे जितनी और ज्यादा भी पढ़ सके इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कम से कम एक दफा। तो ये एक सबसे पहला और आसान तरीन तरीका है। अच्छा अब जितने भी तरीके बयान होंगे, हम तो काफी सारे बयान करेंगे, हो सकता है किताब में तो खैर 40 से ज्यादा है, लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं हो सकता है कि ये किताब के अंदर मौजूद ना हो तो आप वो अलग से लिखती जाइए। अच्छा कुछ, ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका कुछ खास तौर पर अज़कार परवरदिगार ऐसे, कुछ ऐसा परवरदिगार का जिक्र है, कुछ तो हम अभी जो लफ्जी जिक्र है उनका तस्करा कर रहे हैं, कुछ मानवी जिक्र भी होते हैं जो कभी और आएंगे। तो बहरहाल परवरदिगार का जिक्र करने से अल्लाह बे जिक्र अल्लाह तत्मईनल कुलूब, क्योंकि दिलों को इत्मीनान इसी से होता है। हमेशा गुनाह करने से दिल में खिलजान और कुल्फत रहती, और जिक्र खुदा अगर कोई शख्स करता है तो उसके दिल को इत्मीनान होता है, गुनाहों से वैसे उसकी तवज्जो हट जाएगी। हर वक्त दिमाग में अगर जिक्र खुदा जुबान के ऊपर उसकी जारी होगा। यही वजह है कि अभी जैसे मोहम्मद हुसैन तबातबाई का तस्करा हुआ, अक्सर उलमा कहते थे हर वक्त उनकी जबान मुतहरिक रहती थी, कभी हमने उनके होंठों को बेहरकत नहीं देखा, हर वक्त जिक्र खुदा, हर वक्त जिक्र खुदा ये करते रहते, हर वक्त जिक्र खुदा करते रहते। यहां तक के लोग हैरान होते थे, कोई वक्फा भी उनको नजर नहीं आता था कि जिस वक्त उनके होंठ हरकत में ना हो और कोई जिक्र खुदा ना कर रहे। अच्छा इन अस्कार का देखिए एक फायदा है, अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे जिक्र हो सकता है आपको बताए जाए जैसे हजार दफा करने। लोग कहते हैं भाई हजार दफा तो जरा ज्यादा हो जाता है, क्या दिल से खुलूस से इंसान एक दफा भी कर ले? तो बाज़ औक़ात देखिए जो आदत बताए गए ना, हजार दफा मसलन, 10,000 दफा, बहुत सारी चीजें कहा कि इसको पढ़ो, ये असल में बहुत जो गैर मुखलिस और नॉन सिंसियर किस्म के अफराद होते हैं ये उनको हटाने के लिए भी शायद हों, ये मेरा अपना एक दिमाग का एक अंदाजा है
कोई कुरान और सुन्नत के हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ, अंदाज है कि शायद ही इसके अंदर एक पहलू ये भी हो कि बहुत सारे गैर संजीदा किस्म के अफराद भी आ जाते हैं, बस वो कहेंगे बटन दबाएं हमारा ये वाला मसला हल हो जाना चाहिए, ये गैर संजीदगी की अलामत, तो ताकि वो खुद बखुद छट जाए, इस जिक्र की तरफ आए नहीं, मुखलिस अफराद आए और उसको बाकायदा सच्चे जज्बे के साथ, जैसे बहुत सारे जब हम जो किताब भी आप लीजिएगा दुनिया आखरत की 100 परेशानियों का हल मदरसे की तरफ से, उसमें होता है कि फला सूरे को लिखकर और रखा जाए, तो लोग कहते हैं अगर हम कुरान से फोटो कॉपी करवा लें मसलन, लिखे नहीं, तो ये भी मैं फिर यही कहता हूँ कि आप इसका मतलब है सिंसियर नहीं, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आप मुखलिस नहीं, यानी आप हर जगह शॉर्टकट लगाना, इसका मतलब बहुत ज्यादा इस हाजत ये दुआ कबूल हो जाए इसकी आपको जरूरत नहीं है। जो वाकई दिल से चाह रहा होता है कि मेरी ये चीज पूरी हो जाए, मेरी ये हाजत पूरी हो जाए, वो पूरी कोशिश करेगा, कहा जाए सूरह बकरा को 100 दफा लिखना है तो 100 दफा भी लिखेगा, क्योंकि उसको मालूम है मुझे ये चीज पूरी करवानी। तो बहरहाल, तो ये जब अस्कार जब आपको पढ़ने को कहा जाते हैं ना, तो देखिए हमारा जो दिल है ना, इस पर हर इसमें हर सिम से मुख्तलिफ ख्यालात का हुजूम रहता है, इधर से ख्याल उधर से ख्याल, जैसे नमाज आप पढ़ रही होती कितने ख्यालात आते हैं, अल्लाह के अलावा मेरा ख्याल हर चीज का ख्याल होता है दिमाग में। हजरत उमर के मुतालिक मशहूर है, वो क्या खुद कहा करते थे कि मैं पूरे लश्करियों की तनख्वाहों का हिसाब दौरान नमाज कर लेता हूं। तो बाज़ोकात ये होता है, और खुद इमाम अबू हनीफा का कौल है कि अगर कोई चीज तुमको याद नहीं आ रही हो तो नमाज पढ़ना शुरू कर दो, नमाज के दौरान याद आ जाएगी, दिमाग इधर उधर जाता है मसलन। तो बहरहाल, ख्यालात का जो हुजूम, इधर हजारों किस्म के ख्यालात हमारे दिमाग पर आ रहे होते हैं, जिक्र खुदा करने से और इन असकार को पढ़ने से एक बहुत फायदा ये होगा कि आपके दिमाग को एक कंसंट्रेशन और एक इर्तिकाज हासिल हो जाता है। तालिब इल्मों के लिए दिमाग का इर्तिकाज बहुत जरूरी है, जब पढ़ना आप शुरू करती हैं ना, तो इधर का ख्याल उधर का ख्याल उधर का ख्याल उधर का ख्याल, पता चला निगाहें आपकी सफ़े पर हैं, दिमाग कहीं और। ये अदम इर्तिकाज जो ये आपको पढ़ने नहीं देता सही तौर पर, यह आपको बात को समझने नहीं देता। जब आप ये असकार पढ़ना शुरू करेंगे तो इधर उधर के जितने ख्याल दिमाग में आ रहे होंगे सब हट जाएंगे और आपकी सोच एक जगह पे मुर्तकिस हो जाएगी, अपने परवरदिगार की तरफ मुर्तकिस हो जाएगी, और खुद बखुद उसके बाद गुनाह, क्योंकि जितने भी वसवसे हैं ये सब गुनाह और इन वसवसों का बड़ा आपस में ताल्लुक है, ये सब एक तरफ से छट जाएंगे, एक तरफ हट जाएंगे और परवरदिगार की तरफ दिमाग बिल्कुल इस तरीके से, रेडियो की सुई जब वो मखसूस जगह पर आती है ना, उससे पहले थरक रही होती है, जब मखसूस जगह पर आती फिर एकदम से सिग्नल आने लगते हैं। तो ऐसा इर्तिकाज जब हासिल होता है तो खुदा की तरफ से एक लिहाज से एक रूहानी सिग्नल आपको रिसीव होने लगेंगे। क्योंकि बहरहाल देखिए, दिल हमारा जो है ना एक बर्तन की सी मिसाल रिवायत में कही गई, बर्तन अगर पूरा भरा हुआ हो तो बाहर से कोई चीज डाली नहीं जा सकती, इसके लिए जरूरी है कि उस बर्तन में से पहले कुछ लिक्विड जो भरा हुआ है उसको गिराया जाए ताकि कुछ और चीज उसमें डाली जा सके। पहले ये जो दिल हमारा निजासतों और गिलाजतों और मुख्तलिफ किस्म के अजीबोगरीब वसवसों से भरा हुआ है, इनको हटा, इसको खाली करना जरूरी, खाली करने के लिए जरूरी है कि इसके अंदर जबरदस्ती आप अस्कार खुदा से इसको खाली करें, यानी वो जब अंदर जाएंगे तो वो खुद वहां से फरार अख्तियार करेंगे वो वसवसे। तो बहरहाल उसके बाद फिर कहीं जाकर ये सब चीजें होंगी। अच्छा, इसी तरीके से अब जो अस्कार बताए गए, क्योंकि ये मैंने कहा कि इतना फायदेमंद है कि दिलों को इत्मीनान इसी से मिलेगा, गुनाहों की कुल्फत इससे दूर होगी, और उस जी नहीं अभी कहाँ बताया मैंने, अब बताना शुरू कर रहा हूँ, वो तो मैं कह रहा हूँ कि अस्कार खुदा कौन से पढ़ने आप शुरू हो रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अगर कोशिश करके, या तो कम से कम एक तस्बीह रोजाना, और अगर बहुत ज्यादा फायदा चाहती हैं तो 1000 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह रोजाना, यानी 10 तस्बीह, मेरे ख्याल मिनट्स लगेंगे चंद और ये हो जाएगा। उलमा ने बताया कि ये तमाम जो है ये जिक्रों का सरदार कहा गया है इसको, जो ला इलाहा इल्लल्लाह जो है ये तमाम अस्कार का सरदार है, तो इसको आप इसमें इस्तेमाल करें। अभी हम सिर्फ अस्कार की बात कर रहे हैं, अमली तरीके और भी आगे चलकर आ रहे हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा तस्बीहात अरबा, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये जो तस्बीहात अरबा है ये खुद बहुत ज्यादा दखील है। कहा जाता है कि जो खाने काबा के जो चारों कोने हैं तस्बीहात अरबा पे कायम है। जब कभी इंशाल्लाह हज के सिलसिले की क्लासेस शुरू होंगी तो उसमें हम तफसील बयान करेंगे इसकी, और बाकायदा उलमा ने इसकी बाकी तफसील बयान की तस्बीहात अरबा के अंदर ये खसूसियात किस तरह से। तो तस्बीहात अरबा तो खैर आप नमाज में भी क्योंकि पढ़ती हैं इस वजह से। उसके बाद
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, या इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम भी पढ़ सकती हैं, लेकिन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये भी जितना दफा हो सके, कम से कम अगर ये जितने भी अस्कार जिसमें कोई खास अदद मुकर्रर नहीं किया गया, उलमा ने कहा कि जितना भी तुम ज्यादा पढ़ सको तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। एक तस्बीह कभी भी दिन में कभी मौका मिले तो बाकायदा टाइम टेबल में मुकर्रर कर लें कि मसलन ऑफिस या स्कूल कभी मैं या कॉलेज जा रही होंगी, यूनिवर्सिटी जा रही होंगी तो ये पढ़ लूंगी, वहां से वापस आते वक्त ये पढ़ूंगी, घर के काम करते वक्त फला फला चीज कर लूंगी। एक जिंदगी का कोई एक निजामुल औकात कुछ मुअय्यन होने चाहिए कि जिसमें इंसान ये सब चीजें करे। कब का इंतजार करेंगे, वो मौका कभी भी नहीं आएगा। अपनी पिछली जिंदगी को देखा, कब ये मौका आपके पास आया था कि आप ये सब चीजें करें? खुद से आपको अपने प्रोग्रामों में चीजें दाखिल करना पड़ेंगी। तो एक तो तरीका हुआ ये। उसके बाद फिर उलमा ने कहा कि या हय्यू या कय्यूम या मन ला इलाहा इल्ला अंता, ये भी जिक्र ऐसा है यानी दिल को बाकायदा वाकई जिंदगी बख्शने वाला जिक्र है। और बहुत सारे वो अफराद कि जो कि दिल के मरीज जो होते हैं, जिनके बाकायदा रिवायात है इस सिलसिले में कि ये जो दुआ है या हय्यू या कय्यूम या मन ला इलाहा इल्ला अंता असअलुका अन तुहयी कल्बी, असअलुका अन तुहयी कल्बी इसके साथ और लगा दीजिए अगर, तो दिल के अमराज के लिए बहुत फायदेमंद है। खुद हमारे मौलाना गुलाम अली वजीरी, जिन्होंने पहले आपसे खिताब भी किया है सेरेमनी वाले रोज, असअलुका असअलुका अन तुहयी कल्बी, तो ही ते है ये और फिर कल्बी आखिर में, मैं तुझसे सवाल करता हूं कि मेरे दिल को जिंदा कर दे। तो ही अन तो ही कल्बी, खुद हमारे मौलाना मोहतरम फरमाते थे कि जब उनको दिल का कोई दौरा वगैरह पड़ा था, उनको अस्पताल में ले गए थे, तो खुद कह रहे थे मैं अपनी आंखों से देख रहा था कि जो उस वक्त स्पेशलिस्ट हजरात और डॉक्टर हजरात परेशान थे, और एक प्रोसीजर मौलाना का हो रहा था, एंजियोप्लास्टी वगैरह हो रही थी, तो जिस तरीके से डॉक्टरों में भागदौड़ हो रही थी और मुसलसल उनका हार्ट रेट कम हो रहा था और नब्जें सारी डूब रही थी, तो खुद मौलाना कहने लगे कि यानी सब डॉक्टर परेशान हो गए थे कि बस शायद अब जाने का मौका आ गया इनकी। मौलाना ने कहा कि मैं ये वाली दुआ मैंने पढ़नी शुरू की, या हय्यू या कय्यूम या मन ला इलाहा इल्ला अंता असअलुका अन तुहयी कल्बी, रिवायात में है कि दिल के मरीज इसको पढ़े। कह रही है पढ़नी शुरू की, कुछ ही अस्कार अभी मैंने पढ़े थे इसके, उसके बाद से अचानक से सारे जो वैल्यूज जो कम हो रही थी बढ़ना दोबारा शुरू हुई, डॉक्टरों के चेहरों पर इत्मीनान जाहिर होने लगा। यानी फौरन का फौरन असर होता है इन अस्कार का। लेकिन हमारा क्योंकि कुव्वत ईमानी में ज़ौफ इतना आ गया कि बाज़ औक़ात हम बहुत सी चीजें नजरअंदाज कर रहे होते हैं। ये मौजज़ात जिंदगी में बिखरे हुए हैं हमारे, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो रहे, अमल नहीं हो रहा है उनके ऊपर, तो उतनी चीजें आपको नजर नहीं आती माशरे में, क्योंकि आमिल बहुत कम है इन चीजों के ऊपर, लेकिन जो अमल करते हैं वो इनके फवायद और समरात से बहरामंद होते हैं। दुआ है वो तो आखिरी वाला पार्ट था, या हय्यू या कय्यूम या मन ला इलाहा इल्ला अंता असअलुका अन तुहयी कल्बी, मैं आखिरी वाला नुक्ता ये था कि मैं तुझे सवाल करता हूं कि मेरे दिल को जिंदा कर दे। अच्छा, फिर उसके बाद बहुत सारे अफराद ऐसे हैं कि जो एक लिहाज से बिल्कुल सरेंडर हो चुके हैं, गोया मायूसी की से कैफियत हो जाती है कि भाई मैं तो इतना कमजोर हूं कि ये गुनाह मुझसे कभी छूट ही नहीं सकते, मुझसे नहीं छूटते। ऐसे अफराद के लिए ये वाला जिक्र बहुत फायदेमंद है, उफव्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। बहुत से उलमा को आपने देखा है कि अपने सरनामे कलाम मजालिस में इससे आगाज करते हैं, मौलाना ज़की बाकरी वगैरह सब यहाँ पर आते हैं, आपने देखा होगा उफव्विज़ु अम्री इलल्लाह, मैं अपने तमाम उमूर को परवरदिगार को तफवीज करता हूं, उसके सुपुर्द करता हूं, क्योंकि वो अपने बंदों के खैर किस्में है, वो ज्यादा बेहतर वाकिफ है कि मेरे बंदों की फलाह और उनकी कामयाबी किस चीज के अंदर है। मैं अपने तमाम के परवरदिगार, हम बाज़ोकात अपना हुक्म परवरदिगार पे चला रहे होते हैं, वो ज्यादा दानातर है अपने बंदों की मसलहतियों से। हम कहते हैं परवरदिगार ये वाली ही मेरी दुआ कबूल कर, बाज़ोकात उस दुआ के कबूल करने में आप लोगों के लिए नुकसान होता। मुझे पड़ गया था एक शख्स पीछे हजरत ईसा के पास, मुर्दों को आप कैसे जिंदा करते हैं बताइए बताइए, उन्होंने कहा भाई तुम तहम्मुल नहीं कर सकते, उसने कहा नहीं बताइए, उन्होंने दुआ बता दी। अब रस्ते में कहीं भूल ना जाए, दुआ पढ़ते जा रहा था, रस्ते में एक जगह एक हड्डी पड़ी नजर आई, उसने वो हड्डी उठाई, उसके ऊपर दुआ पड़ी, मालूम चला शेर की हड्डी थी, शेर हुआ जिंदा और उस शख्स को चीर फाड़ के हलाक कर दी। हर शख्स तामुल भी नहीं कर सकता।
तो बहरहाल अपने उमूर को परवरदिगार के सुपुर्द करें, परवरदिगार तू अगर मसलहत किसी चीज में मेरी समझता है तो उस दुआ को कबूल कर ले, और अगर किसी चीज में मेरी मसलहत नहीं है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं मुस्तकबिल के हालात से अपने वाकिफ नहीं हूं, मेरे हक में अगर ये चीज सही नहीं है तो कबूल ना कर, अपने उमूर को सुपुर्द कर दे परवरदिगार। फिर देखिए जब गेंद कोर्ट में परवरदिगार के आपने डाल दी तो अब इंशाल्लाह परवरदिगार आलम उसमें कैसी बेहतरी की, अब उसमें तवक्कुल तो करके देखिए। ये जिक्र एक लिहाज से मुकम्मल तवक्कुल वाला जिक्र, फवज़ अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। और यकीनन जहन्नुम से बचाना ये आपकी बेहतरीन मसलहत है, परवरदिगार खुद ही आपको जहन्नुम से बचा के अब जन्नत के रास्ते पे लगाएगा। अच्छा इसी तरीके से हसबुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर, ये वाला एक जिक्र। अच्छा अब ये इतने सारे अस्कार आ रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप कहें अच्छा सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं तो माशाल्लाह क्या कहना, लेकिन आपको अपनी आम जिंदगी में जो जिक्र आपको ज्यादा सूट करे मुनासिब लगे, ये ऐसे अमूमी अस्कार हैं जिसको करने की हर शख्स को उलमा ने इजाजत दी। कुछ खसूसी अस्कार हैं जिसके लिए कुछ इंतजाम करना पड़ते हैं, वो तो अब हम जिक्र नहीं कर रहे, लेकिन ये अमूमी अस्कार हैं जो हर शख्स इनके ऊपर अमल कर सकता है, जितना चाहे ज्यादा अमल करे जितना चाहे कम करे, 10 दफा पढ़ सकता है, 100 दफा पढ़ सकता है, 1000 दफा पढ़ सकता है, आपकी मर्जी, जितना ज्यादा इसमें करेंगे उतना ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। उसके बाद अगला जिक्र है या गनी हो या मुगनी, या गनी हो या मुगनी, ये एक जिक्र है, इसका पढ़ना बहुत फायदेमंद है। इसी तरीके से या सत्तारो, या सत्तारो, आयतुल्ला इब्राहिम अमीनी ने अपनी जो किताब खुद साजी है उसके अंदर भी नस्कार को लिखा या सत्तारो, ये जितना ज्यादा हो सके पढ़े, या अल्लाह इसको तो कम से कम 1000 दफा पढ़े, या अल्लाह, अक्सर दुआओं के आखिर में दुआएं इख्तिताम ही होता है कि आखिर में या अल्लाह जितना यहां तक इतनी देर तक पढ़ें कि सांस आपका टूट जाए, तो या अल्लाह ये अगर हो सका तो ज्यादा, या फत्ताहो, ये खास तौर पर नमाज फजर के बाद 70 दफा अपने सीने पर हाथ रखकर इस जिक्र को पढ़ने की बड़ी ताकीद आई, नमाज फजर के बाद 70 दफा इस जिक्र को पढ़ा जाए सीने पर हाथ रखकर, या फत्ता हो। और या दलील अल मुतहय्यरीन, बाकायदा दलील अल मुतहय्यरीन के नाम से बहुत सी किताबें भी लिखी गई, लेकिन बहरहाल जो परवरदिगार की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं वो हैरान सरगर्दा बाज़ोकात अगर कभी होते हैं तो परवरदिगार उनको उस हैरानी से निकालता है। या दलील अल मुतहय्यरीन, ये भी एक जिक्र है। अच्छा कोशिश करें कि वैसे तो जिक्र किसी तरह से भी चलते फिरते उठते बैठते खाना पकाते वक्त घर के काम करते वक्त कभी भी आप पढ़ सकती हैं किसी भी वक्त, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे इन अस्कार की असर पजीरी बढ़ जाती है, वो अगर कर लें तो बहुत फायदा है। मसलन खिलवत हो, अगर कोशिश करें कि उस जगह लोगों के बहुत ज्यादा चीखम बुकार आमद रोहत, बच्चे उछलते कूदते फिर रहे हैं, टीवी की बेहंगाम आवाजें, बाहर का शोर, ये वो सब लोग बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक, अस्कार जितने भी पढ़ेंगे फायदा होगा, लेकिन असर पजीरी अगर ज्यादा चाहिए तो उलमा बयान फरमाते हैं अगर खिलवत हो तो बहुत अच्छा, तन्हाई के मौके पर इसको पढ़े। इसी तरीके से अगर उस जगह निस्बतन तारीकी हो तो बहुत अच्छा, लेकिन ये सारे बोनस चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इससे असर पजीरी आप बढ़ाएंगी इन अस्कार की, लेकिन अगर नहीं आपको अवेलेबल ये चीजें कोई बात नहीं, वैसे ही आप शुरू कर दीजिए। इसी तरीके से नजाफत, जिस्मानी या उस जगह की पाकिजगी आपको हासिल हो कि जहां पर मसलन अगर हो सके कोशिश करें कि आप बावजू हों तो ज्यादा फायदा होगा, कपड़े आपने साफ सुथरे और पाको पाकिजा पहने हुए हों, जिस जगह आप बैठी हूं वो पाको पाकिजा और साफ सुथरी हो तो उसकी असर पजीरी और ज्यादा होगी। कोशिश करें कि अगर उस जगह पर कुछ खुशबू भी, बाकायदा आयतुल्ला बहजत ने कुछ अमाल बताए और कहा कि ऊद की खुशबू सुलगाई जाए उस जगह पर, बीमारों के सिलसिले कुछ अमाल बताए गए, ऊद बाकायदा खुशबू जो है वो सुलगाई जाए उस जगह, वैसे कोई सी भी खुशबू, यानी वो जगह जहां आप ये असकार पढ़ रही हैं अगर किसी तौर पर अगर वहां खुशबू अवेलेबल हो सके तो बहुत अच्छा। इसी तरीके से अगर आप इस्तकबाल क़िबला का ख्याल कर लें, यानी क़िबला रुख हो जाए इन अस्कार को पढ़ते हुए, तो असर पजीरी और बढ़ जाएगी, आपको और फायदा होगा। इसी तरीके से अगर आप चार जानू बैठकर पढ़ें, जिस तरीके से योगी हजरत जिस तरह बैठे होते हैं उस तरह पढ़ें, और हाथों को अपने रानों पर रख लें,
तो और ज्यादा फायदा होगा। और कोशिश ये करें कि ताजीमन आवाज को ज्यादा बुलंद ना करें नस्कार को पढ़ते वक्त, कर भी सकती हैं लेकिन ज्यादा ताजीम इसमें है कि इनको खामोशी के साथ आप पढ़ें। और हुजूर कल्ब के साथ हो, दिल कहीं और हो, दिमाग कहीं और हो, बस ऐसी सरसरी तौर पर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इस तरह पढ़ती हुई जाएंगी तो इतनी असर पसीरी नहीं। सवाब जरूर मिलेगा क्योंकि आपने इरादे के साथ बैठी हैं, लेकिन बहरहाल अगर हुजूर कल्ब हो तो और ज्यादा अच्छा। और कोशिश करें कि अगर इन अस्कार को पढ़ते वक्त आंखें बंद हो तो असर पसीरी और बढ़ जाती, आंखों को बंद करके अगर इन अस्कार को पढ़ा जाए। और नमाज सुबह के बाद सूरज निकलने के दरमियान पढ़ा जाए तो क्या ही कहना, सोने पर सुहागा हो जाएगा। ये कुछ चीजें हैं अलल खसूस के जिनका आपको अगर ख्याल रख लें तो बहुत ही अच्छा है। इसी तरीके से कुरान का एक सूरा ऐसा है, इसको भी अगर रोजाना किस्म, वैसे दो सूरे तो इब्तदान जिक्र हुए तो सूरे तौहीद और सूरे कदर, लेकिन सूरे मुनाफिकून अगर कोई शख्स पढ़े, रिवायत में पैगंबर इस्लाम खत्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स रोजाना सूरह मुनाफिकून पढ़ता रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो निफाक से बरी हो जाएगा। पढ़ना शुरू कर दीजिए कि टोटल सूरह ये है जो आपके सामने है इस वक्त, कोई बहुत बड़ा सूरह नहीं है सूरह मुनाफिकून, एक सफे का है बस, कोई भी मसला नहीं। और यकीन कीजिए कि आप एक महीना इसको पढ़ेंगे आपको जबानी याद हो जाएगी, बहुत आसान सूरह सूरह मुनाफिकून। तो रोजाना पढ़, निफाक देखिए किसको कहते हैं, निफाक की दो किस्में, एक होता है निफाक एतिकादी, ये जो आम तौर पर जो पैगंबर इस्लाम के दौर में अफराद हुआ करते थे उनमें निफाक एतिकादी था, यानी अपने ईमान को जाहिर कर रहे हैं जबकि अंदर से काफिर हैं। लेकिन एक मोमिन जो है वो निफाक अमली का शिकार हो सकता है, निफाक एतिकादी तो नहीं होता उसमें लेकिन निफाक अमली होता है, हमारा इल्म हमारे अमल से मुताबिकत नहीं रखता, इसको निफाक अमली कहा जाता है। इल्म हमारा यह है कि ये सब गुनाह नहीं होने चाहिए फिर भी गुनाह होते हैं, हमें पता है कि फला फला नेकी का सवाब इतना है लेकिन फिर भी हमसे वो नेकियां छूट जाती, ये निफाक अमली है। पैगंबर फरमाते हैं अगर रोजाना इसको पढ़ता रहे तो जल्द ही मौका ऐसा आएगा कि ये शख्स निफाक से बरी हो जाएगा। इल्म इस यानी दूसरे अल्फाज में कहा जाए इसका अमल जो है इसके इल्म के मुताबिक हो जाएगा, जो इल्म हासिल करेगा उसके ऊपर अमल करने लगेगा और बस यहीं से आपको कामयाबी नसीब हो जाएगी। तो सूरह मुनाफिकून, इसी तरीके से उलमा आयतल कुर्सी को भी होम फिया खालिदून तक रोजाना पढ़ने में गुनाहों को के सिलसिले में असर पसीरी का काफी ज्यादा यकीन रखते हैं। रोजाना अगर आप हर नमाज के बाद खासतौर पर आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दें, रिवायत में तो ये चीज आई है कि सिवाय सिद्दीकीन के इस पर मुदावेमत कोई नहीं कर सकता, यानी मुदावेमत यानी हमेशा कोई हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ना, यानी बहुत बड़े मुकाम का हामिल हो जाएगा वो, या सिद्दीकीन के मर्तबे तक पहुंच जाएगा वो कि अगर वो रोजाना हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता रहे। और ये खुद शयातीन से, क्योंकि आपको पता है कि आयतल कुर्सी शयातीन से बचाती, और शयातीन ही है आपको जो गुनाहों की तरफ वसवसा देकर मायल और रागिब करते हैं, जब हर नमाज के बाद आप इसको पढ़ेंगे तो एक लिहाज से मुकम्मल हिफाजत हो जाएगी। सुबह से आपने इकदाम किया सूरह तौहीद और सूरह कदर पढ़कर, और रात जब आई सोने से पहले अगर पढ़ लें, सोते वक्त भी सूरत ये जो है आयतल कुर्सी पढ़ने का बहुत सवाब है, लेकिन हर नमाज के बाद अल खसूस अगर इसको पढ़ें तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, अब एक चीज और बस, अगरचे देखिए आज मुझे इरादा ये था कि 15-20 कम से कम आपको चीजें बयान कर जाता, लेकिन कुछ ऐसा वक्त निकलता चला गया। अब आ जाइए तीसरा नुक्ता, मुकामाते लग्जिश से दूरी इख्तियार करना, हर वो जगह जाने से अपने आप को बचाना कि जहां पर जाने के नतीजे में आप गुनाह में मुबतला हो जाए। मुकामाते लग्जिश से दूरी, ये जो तस्वीर है अभी इसके सामने मैं आपको पेश करूंगा कि इसका मेरी गुफ्तगू से क्या रब्त है, बस ये आखिरी पॉइंट होगा उसके बाद आज की गुफ्तगू इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी, और इंशाल्लाह जो अगली गुफ्तगू होगी हम उसमें तेज रफ्तारी के साथ वो तरीके बयान करेंगे। बाकी किताब से लेकर आप हल कर सकती हैं, नीचे से जाकर ले लीजिएगा किताब। देखिए, हर उस जगह पर जाने से आप इज्तनाब करें जहां जाने से आपको मालूम है कि मैं गुनाह में मुबतला हो जाऊंगी। देखिए, एक शेर है जो कि एक हमारे एक सदर गुजरे हैं गुलाम इसहाक खान, उन्होंने भी अपने तकरीर में एक दफा पढ़ा था, टीवी पे एक दफा उनकी तकरीर आई थी, मगस को बाग में जाने न दीजो कि नाहक खून परवाने का होगा।
ये बाकायदा पूरा एक तरीका है गुनाह छोड़ने का इसके अंदर। मगस, शहद की मक्खी, शहद की मक्खी को बाग में नहीं जाने दो, मगस को बाग में जाने ना दीजो कि नाहक खून परवाने का होगा। शहद की मक्खी को बाग में नहीं जाने दो क्योंकि अगर शहद की मक्खी बाग में चली गई तो परवाने सब मर जाएंगे। भाई इसका क्या ताल्लुक है? क्योंकि देखिए जब शहद की मक्खी बाग में जाएगी तो फूलों में बैठेगी, फूलों में बैठेगी तो उसका रस चूसेगी, रस चूसेगी तो उससे शहद बनेगा, शहद बनेगा तो उससे मोम बनेगी, मोम से मोमबत्ती बनेगी, मोमबत्ती जब जलाई जाएगी तो सारे परवाने आएंगे जल के मर जाएंगे। परवानों को जलने से बचाना तो शहद की मक्खी को बाग में नहीं जाने दीजिए। यानी पहले मरहले पर ही गुनाह को रोक दो। देखिए बहुत से आरिफाना शायरी होती है, हम बाज़ औक़ात उसको किसी दूसरे पैरा में पढ़ रहे होते हैं। यानी पहले मरहले में गुनाह को, ऐसा नहीं कि मसलन गुनाह पलता जाए पलता जाए पलता जाए पनपता जाए, माशरे के अंदर अपनी जड़ें जो है मजबूत कर ले और उसके बाद फिर हम जब बेदार हो, उस वक्त तनावर दरख्त बन चुका है, अब उसकी टोपलें और उसके से पत्ते झाड़ने का कोई फायदा नहीं होगा, अब तनावर दरख्त बन गया। बहुत सारे गुनाहों को बहुत टू निप इन द बड जिसको कहा जाता है ना अंग्रेजी का जो मुहावरा है, बिल्कुल इब्तदान ही गुरबा कुश्तन रोजे अव्वल, जो फारसी का भी, पहले दिन ही जनाब बिल्ली को अगर मार के भगा दिया जाए तो वो फिर वो आना बंद हो जाती, लेकिन एक दफा उसे चीचड़े खाने की और आदत हो जाए उस जगह पे आके तो बहुत मुश्किल है उसको उससे पीछा छोड़ाना था। तो बहुत इब्तदाई मरहले में देखिए बहुत सारी मखलूत इज्तेमात ऐसे जिसमें हमें जाना पड़ जाता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जैसे खुद घर में हमारे जैसे टीवी है, इसको कोई मामूली चीज ना समझें। आप कहेंगे कि अच्छा ये हमें खैर कोई पुराने किसी दौर के अंदर जो पहाड़ों का और जो पुराना पत्थरों का दौर है उसमें वापस ले जाना चाहते हैं, सब चीजें तो घरों में है। हाँ बिल्कुल घर में हो, लेकिन इनके जायज इस्तेमाल के साथ। अगर इसका इस्तेमाल हराम हो रहा है घर में, इस पर खूब गाने सुने जा रहे हैं, इस पर हराम फिल्में देखी जा रही हैं, इस पर अखलाक खराब कर देने वाले प्रोग्राम देखे जा रहे हैं, चाहे उस एतबार से ना हो, अब तो मुकालमों के अंदर फहाशी और बेगैरती जो है वो बढ़ती चली जा रही है। आपको पता नहीं कि बच्चों के दिमाग पर कितने इन चीजों के असरात होते हैं। सारी जिंदगी बाज़ोकात आयतुल्ला शहीद मुर्तज़ा मुताहरी ने लिखा है कि बच्चा अगर कोई नामुनासिब ऐसा सीन टीवी के ऊपर देख लेता है तो बाज़ोकात पूरी जिंदगी का तकवा परहेजगारी भी उसको उस चीज में गिरने से नहीं बचा सकता बाज़ोकात, कि इतना ज्यादा वो उसके दिमाग पर बहुत सी चीजें नक्श हो जाती। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि इसको अब घर में देखना चाहिए, इसी तरह जैसे टीवी है हमारा, इंटरनेट है हमारा, कंप्यूटर है, तो सब चीजें क्या हैं, इनमें बहुत एहतियात की जरूरत है। उस रास्ते के ऊपर बहुत से लोग बहुत नौजवानी में बहुत बचपने के जमाने से बच्चों के हाथों में मसलन ये दे देना, मोबाइल फोन दे देना, बहुत इब्तदान, यानी अभी उसके बचपना था, उसके खेलने कूदने के दिन थे, उसके मासूमियत का जमाना था, उस मासूमियत के जमाने को दागदार करके रख दिया, उसको तबाह बर्बाद उसके बचपने को कर दिया इन तमाम चीजों ने। और कहा वो अफराद फिर उसके बाद फिरते हैं, फिर रोते हुए फिरते हैं, वालदैन उलमा के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं बच्चा खराब हो गया अब क्या करें फला चीज, आपने खुद ही बच्चे को पानी में तालाब में धक्का दिया था, उसके बाद कह रहे हैं कि देखो तालाब में गिर तो रहे लेकिन खबरदार गीले ना होने पाने, कैसे मुमकिन है? ये सब चीजें भी उसको आपने प्रोवाइड कर दी, सारे गुनाह के आलात घर के अंदर मुहैया करके रखे हैं, गुनाहों की तरफ एक्सेस उसका इतना आसान कर दिया आपने घर में। अगर वाकई अब ये भी नहीं कि हम कह रहे कि इन चीजों से अपने इन बच्चों को दूर कर लें एकदम से, इस तरह से नहीं, लेकिन इनको किसी कवायद व जवाबित का वालदैन को ज़हानत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कितने टीवी ऐसे जो प्रोग्राम हैं जो टीवी के ऊपर आते हैं, घर में सरबराह इदारा की जिम्मेदारी होगी कि कुछ ना कुछ वो इस तरह की चीजों का इंतजाम करे कि कौन सी उम्र का बच्चा कौन सा प्रोग्राम देखेगा। टीवी पर कितने ऐसे चैनल्स हैं कि जो कि सेंसर करके निकाले जा सकते हैं, उन बाकायदा आप चीजें सीखिए कि किस तरह से हम इस चैनल को स्किप कर सकते हैं, कौन से चैनल को लॉक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। बच्चे तो अपने जाहिर है उस लिहाज से आगे बढ़े, चीज तो अपने अब उसको हटा नहीं सकते वरना कहीं और जाएगा और कोई खराबी उसको होगी, बिल्कुल आजादाना और बेबाकाना उसको देखेगा, लेकिन घर में उसको ये सब चीजें मुहैया कर दी जाए। ईरानी डिश मसलन एक आती है, उस पर कितने ईरान की में जितने भी फिल्में और प्रोग्राम्स भी आते हैं उसमें कोई मुखरबुल अखलाक चीज नहीं होती। कोशिश करें मसलन ये कि आप उसमें भी देख लें अगर कोई बाज़ोकात ऐसी चीज आने लगी, लेकिन कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि उसके अंदर इस तरह की कोई चीज हो। ये मुतबादिल चीज मुहैया करके फिर किसी चीज को आपको लेना होगा, एकदम से एक चंगेज खाना हुक्म जो है वो जारी करके आप उस चीज को नहीं रोक सकते, फिर वो या तो बगावत करेंगे बच्चे या कुछ और मसला होगा, तो उनको मुतबादिल मुहैया करना पड़ेगा मुतबादिल।
तो उस मुतवादिल को मुहैया करने के नतीजे में इसी तरीके से, अच्छा टीवी पे कौन सी उम्र का बच्चा कौन सा प्रोग्राम देखेगा कौन सा नहीं देखेगा, ये आपको तय करना पड़, सरबराह इदारा को तय, घर को तय करना पड़ेगा ये, कि कौन सी उम्र का बच्चा कौन सा प्रोग्राम देखेगा कौन सा नहीं, कौन से चैनल निकालने हैं, कौन से क्या करने हैं, किसी टीवी वाले को बुलाइए, किसी को बुलाइए, दूसरी और जो बेहतरीन करबला टीवी है, हिदायत टीवी है, हादी टीवी है, कितने सारे और चैनल, कोशिश करें थोड़ा सा पैसा खर्च करें, अपने बच्चों को बचाना है, इनकी आखरत को बचाना है, इनकी दुनिया को बचाना है। वालदैन जरा सी बीमारी हो जाती है लाखों रुपये खर्च करने को तैयार हो जाते हैं, जिस्मानी तौर पर अगर बीमार हो जाए, यहाँ उसकी रूह बीमार पड़ रही है, सारी सारी उसकी हमेशा हमेशा की जिंदगी जो है वो खराब हुई चली जा रही है, उसके लिए चंद हजार रुपये नहीं खर्च कर सकता मसलन बाप, कई चीजें मुहैया कर दे उसे घर पे, ताकि उसको उसका जरा रुख तब्दील हो जाए, वो किसी और तरफ जाए, वरना उस रास्ते पर आगे आगे बढ़ता चला गया, अभी से आपने सारी चीजें पहले दिन से उसे मुहैया कर दी, तो कितनी ज्यादा मुश्किल और परेशानियों का वो घर जो है वो शिकार हो जाएगा, वो बच्चों को फिर बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर बहुत मामला आगे चला जाता है, फिर वो सुनते नहीं जब एक दफा किसी चीज के बहुत ज्यादा आदी बन जाए। तो बेवकूफ किस्म के अगर वालदैन हो वो बच्चों पर एतमाद करके ये सब चीजें सामने रखी जाएं, मसलन कोई बच्चा अपने कमरे के अंदर उसको नहीं अलाउ किया जाए, ऐसी जगह पे मसलन कंप्यूटर वगैरह रखा जाए जो आम और दरफ्त की जगह हो, हर शख्स के आते जाते उस पर निगाह पड़े, ताकि उसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। इसी तरीके से मसलन अगर जरा सा भी जहीन बाप है अपने कस्टडी में ये चीजें रखे, या मसलन इन इन इंटरनेट वगैरह के ऊपर फैमिली फिल्टर्स आते हैं, कुछ पैसे खर्च करें, चंद डॉलर्स खर्च करना पड़ते हैं, पेमेंट करना पड़ती हैं, और उन तमाम वेबसाइट तक उसकी रसाई नहीं हो सकती, वो सब ब्लॉक हो जाएंगी उसके लिए। बाप कुछ पैसे खर्च करे, दिमाग को इस्तेमाल करे, ब्रेन इस्तेमाल करे, जहानत का मुजाहरा करे, जाए पूछे गिछे किसी से, ऐसे अफराद हैं जिनसे राबता करे कि मैं फैमिली फिल्टर इस पे कैसे लगवाऊं कि इस पे सब चीजें ब्लॉक हो जाए, नहीं देख सके बच्चा, ये सब काम करने पड़ेंगे, और हत्ता इम्कान बचाना पड़ेगा। तरबियत औलाद के अंदर वाज़ेह तौर पर एक बात आती है कि यह ना कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कुरान की आयत के अपनी औलाद को और अपने घर वालों को, मसलन खुद को और घर वालों को दहकती हुई आग से बचाओ। तो आग से कैसे बचाया जाता है, मसलन अगर बच्चा ना समझ बच्चा 2 साल का आग की तरफ जा रहा है और हमें मालूम है कि इसके अंदर जल के मर जाएगा, तो हम सिर्फ ये आराम से कहेंगे देखो बेटा मत जाओ आग की तरफ, और वो फिर भी चलता हुआ जा रहा है, फिर भी वो सिर्फ हल्के फुल्के तरीके से कह, नहीं आप उठेंगी भागती हुई जाएंगी, चीखेंगी चिल्लाएंगी, लोगों को मदद के लिए बुलाएंगी, ये सब चीजें आपको करना पड़ेंगी, फिर कहीं जाके आप उस बच्चे को उस आग से बचा सकेंगे। तो ये भी जहन्नुम की एक आग है दहकती हुई, जो इन तमाम इन चीजों इनकी बरजखी शक्ल बनेगी। टीवी पे जो मनाजिर देखें इसकी एक बरजखी शक्ल होगी, इंटरनेट पे जो मनाजिर देख रहा है उसकी एक बरजखी शक्ल होगी, जिसके इसको नतायज भुगतने पड़ेंगे आगे चलकर। ये बच्चा अभी से खराब हो रहा है, इसकी मासूमियत तबाह बर्बाद हुई चली जा रही है, तो इन चीजों को वालदैन को फकत ये नहीं कि बेटा मत करो मत बैठो उठ जाओ बहुत देर हो गई फला, इससे काम नहीं चलेगा, इकदामात करें आगे बढ़ें, किस तरह से मशवरा करें, उलमा के पास जाएं, कुछ और अफराद से मशवरा करें, मैं इसको कैसे इस चीज से छुड़ाऊं, कौन सी ऐसी मुतबादिल चीजें मुहैया करूं जिससे बच्चा जो है वो किसी भी उसका भी शिकार ना हो, एहसास कम तरीका कि सब बच्चों के पास है उसके पास नहीं है, लेकिन किसी जाब्ते के तहत तो लेकर आइए इसको। ये एक बहुत अहम तरीन मसला है। देखिए एक जमाना था, ये अभी यही देखिए कि जैसे अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे कि मगज को बाग में जाने ना दीजो के नहा खून परवाने का होगा, कि शहद की मक्खी को बाग में नहीं जाने देना, क्योंकि पहले मरहले पर ही उसको रोक दें गुनाह को, वरना ये जब मामला बच्चा उसका इतना आदी हो गया, लाख आप उसे मना करें वो मानेगा नहीं, बच्चा इसका इतना आदी हो गया कंप्यूटर वगैरह का लाख मना कर नहीं, उसे किसी जब चीज दिलाएं उससे बाकायदा एग्रीमेंट करें, बिठा के संजीदा गुफ्तगू करें बच्चे से। बाज़ औक़ात ये भी हमारे यहाँ होता है कि बाप और वालदैन ना संजीदा गुफ्तगू नहीं करते, हंसी मजाक में बात हो रही है, सरसरी तौर पे बात हो रही है, या खुद वालदैन का अपना कैरेक्टर भी इतना माशाल्लाह इतना अच्छा नहीं रहा है कि वो बच्चा ही उनके ऊपर बल्कि एतराज कर देगा कि इसलिए तो सब आप खुद कर रहे होते हैं, रोजाना हर तरह के चैनल टीवी के ऊपर खुद ही आप बैठ के बदल रहे हैं और देख रहे हैं, तो आपकी असर पजीरी भी नहीं होती। देखिए जब एक जमाना था बहुत अरसे पहले, जब कायम पाकिस्तान का इब्तदाई दौर था, तो उस वक्त 2 इस्लामी फिल्में आई थी और कराची में भी दिखाई गई थी, उनका बड़ा एडवर्टाइज हुआ था, किया गया था उनका, एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह आए थे कि जनाब देखिए इस्लामी फिल्में हैं और इसको देखने के लिए, तो उलमा से फतावे पूछे गए कि क्या हम इस्लामी फिल्में, एक अल्लाह अकबर एक फिल्म बनी थी, सुभान अल्लाह बनी थी, अल्लाह अकबर और सुभान अल्लाह, जिसमें सिर्फ हज और काबा और इस तरह की चीजें, उस पर एक फिल्म पूरी बनाई थी। तो उलमा ने इसे पूछा क्या कि बताइए कि हम क्या इन फिल्मों को देखने जा सकते हैं सिनेमा, तो वहां से बड़ा हकीमाना जवाब आया उलमा की तरफ से,
कहा कि वो अफराद के जो हराम फिल्में देखने के लिए सिनेमा जाते ही रहते हैं, वो इस इन फिल्मों को देखने जरूर जाएं, और वो अफराद जो कभी सिनेमा नहीं गए वो इन फिल्मों को देखने भी ना जाएं। देखिए, वो फर्द के जो हमेशा हराम फिल्में देखने जाता ही है, चलें ये तो जाता ही है और आइंदा भी जाएगा, तो हो सकता है कि जब ये जाए, देखे, काबे पर निगाह पड़े, इसके दिल के ऊपर कोई असर पजीरी, हो सकता है कि आइंदा के लिए तायब हो जाए। तो खाने का, कितने ऐसे फाजियों को फाजिर अफराद होते हैं, हज पे जाते हैं, पहली दफा खाने काबा पे निगाह पड़ते हैं, बिल्कुल मुनकलिब होकर वापस आते हैं वहां से, इसके लिए इम्कान है। लेकिन वो अफराद के जो कभी सिनेमा नहीं गए, जो कभी सिनेमा नहीं गए, उनके लिए वो इस फिल्म को देखने भी ना जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात शैतान चारा डालता है। देखिए, जब वो इंसान जब कभी सिनेमा नहीं गया, अब ये जाएगा देखने के लिए वहां पर, तो वहां का एयर कंडीशन माहौल देखेगा और तारीकी और बड़े बड़े इतनी बड़ी स्क्रीन, उसको देखने का एक उसको एक अलग चस्का लगेगा। फिर ये हराम फिल्में भी देखने ना चला जाए, इस एक फिल्म को देखने, तो शैतान बाज़ों का चारा डाल के आगे लेकर आता है, इस तरफ आओ तो नहीं, उसको पहले मरहले पर ही रोक दो तुम, क्योंकि कभी देखने नहीं गए तो उसको भी देखने मत जाओ वहां पर, उस बुराई की जगह पे हो सकता है कि तुम्हारा दिल बार में बार बार चाहने लगे जाने के लिए। लेकिन जो जाता ही रहता है, ये आइंदा भी जाएगा, तो इसके लिए इम्कान फिर भी है कि ये राह रास्त पर वापस आ जाए। तो बहुत सारी देखी चीजें ऐसी हैं, कितनी पिकनिक पार्टीज ऐसी होती हैं, कितनी तकारीब हमारे घरों में ऐसी होती हैं कि जो के हराम काम का पेशखेमा बन जाती, वो होती बड़ी हदीस किस्से से बाज़ों का इब्तदा होती, ऐसे प्रोग्रामों की तिलावत कुरान से बाज़ों का इब्तदा होती, टीवी के जितने भी वो प्रोग्राम आते हैं जिसके अंदर मसलन अवार्ड्स की तकरीब और फला, उसमें कारी साहब आते हैं और पहले जो है वो मसलन उसमें आकर गुफ्तगू यानी तिलावत कुरान करने लगते हैं आकर, और उसके बाद वो बस वहाँ की हद तक तिलावत होती है, उसके बाद जो फिस्को फजूर और गानों और उसका सब तमाम का सिलसिला शुरू होता है वहाँ पर, तो हर किस्म का गैर इस्लामी काम वहाँ पर हमको नजर आता है। तो इब्तदान पहले मरहले पर ही इस चीज़ को रोक देना जरूरी है गुनाह को, क्योंकि एक दफा भी ये चीज़ आगे आई तो फिर ये बात याद रख लीजिए, जब भी कहा जाता है बहुत सी उसके अंदर भी आया कि बाजारों में इंसान आमदोरफ्त अपनी कम करे, बहुत से पुराने फुका ने तो अपनी किताबों में लिखा भी है कि बाजारों में सबसे आखिर में जाना और सबसे पहले बाहर आना मुस्तहब, क्योंकि बाजार वो जगह है रिवायतों में आया कि जहां शैतान सुबह से ही अपनी कुर्सी को गाड़ देता है, अपने झंडे को लगा देता है और वहां पर आकर विराजमान होकर बैठ जाता है, और उसके बाद फिर बाजारों के अंदर कितना झूठ बोला जाता है, कितना धोखा दिया जाता है, कितना फ्रॉड होता है वहां पर, कितनी फिस्को फजूर वाली बाजारों के अंदर चीजें होती हैं। तो कहा गया कि तुम कम से कम उन जगहों के ऊपर जाओ कि जहां पर तुम्हें किसी हराम काम में मुबतला होना पड़े। बहुत सी चीजें देखिए हो सकता है बहुत नामानूस सी आपको लग रही हो, कामों के सिलसिले में जाना तो पड़ता है, तो मना नहीं कर रहे जाने से, लेकिन अपने पर्दे का अहतमाम करते हुए, फिस्को फजूर से बचते हुए, अपनी निगाहों की हिफाजत करते हुए, अपनी जबान को कंट्रोल करते हुए, और इन जगहों पर जाएं, अपना मखसूस काम करें, विंडो शॉपिंग नहीं कि बस घंटों बाजारों के अंदर निकले और घंटों के बाद वापस आ रहे, जरूरत की चीज नहीं और वापस आए, अगर अपने आप को रूहानियत को बचाना है, और अगर रूहानियत को तबाह बर्बाद करना है तो तमाम तरीके आप खुद बखुद आ ही रहे हैं इसके अंदर, वो भी सीखती जाइए अब कि किन किन चीजों से रूहानियत तबाह बर्बाद होगी। तो बहरहाल आज बहुत सारी चीजें और भी बयान करना थी, लेकिन 10 मिनट का वक्त ऊपर हो गया क्योंकि 10 मिनट लेट शुरू हुआ था, और उसके बाद अखलाकियाती के मौजू पर दूसरा मौजू बिरादर वसीम इमाम साहब आकर लेंगे आपका, वो भी बहुत अहम है, वो ज़रूर सुनिएगा और इन सब चीज़ों के पॉइंट्स वगैरह नोट करें। अलबत्त आज की गुफ्तगू में जो चीज़ें रह गई हैं अमली इकदाम के हवाले से, इंशाल्लाह अगली दफ़ा इतनी तमहीदी चीज़ों में मैं नहीं जाऊँगा और बराह रास्त हम अपनी गुफ्तगू शुरू कर देंगे उन तरीकों पर, तो हो सकता है कि अगली दफ़ा मौजू ये मुकम्मल भी हो जाए। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।